नमः यम प्रव्रजन्त मनुवेतमुपेतगत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुखाचार्याय नमः व्यासात्मजाय नमः ध्याय ध्यानार्थे गन्धाच्छत्पुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय ध्यानं श्रीमद्भागवत महापुराण विमलं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं निष्कर्ममाविष्कृतं तस्यमन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ध्याय ध्यानार्थे गन्धाच्छत्पुष्पाणि समर्पयामि त्वां गन्धर्वा अकनस्त्वां मिन्दिस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदेशो मो राजा विद्वान् समादमुच्यत गन्धद्वारां दुरादृशां नृतपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां ह्योपहवेश्यम्मा श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गण्ढाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगीह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तर्चगं शिष्णोद्रौहो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते मुखे आत्मनीयं जलं समर्पयामि मुखवासार्थे एलालवंग सहितं तांबूलं समर्पयामि साधुगुण्यार्थे पुण्यफलव्याप्त्यर्थं दिव्यदक्षिणायां समर्पयामि नमस्करोमि कान्तिः सितामिषदिनन्दितसारिदेन्दु यत्रैकृतो विलसितामिषिताङ्गसोवां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्ग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतेन पूजनेन पुराण पुरुषोत्तमाय प्रियंताम नमः अथ व्यास पूजनम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र एना त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः विप्रा प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रा प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रा प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रा प्रसादात् मम राम नाम ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनप्गामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वहं पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहै श्रीर्माद्देवीजुक्तां कां सौस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवेशियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं स्यं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नस्तु त्वां त्वां विणे
आदित्य वर्ण तपसोध जातो वनस्पतिस्तो विच्छोत बिल्वः तस्सप्पलानि तपसानुदन्तु या अंतरायात बाह्या अलच्छमीः उपैतु माम देवसखा कीर्तिस्मरिनाशः प्यादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमेद्यं ददातु मे। श्री मद्भागवत जी की आरती होने जा रही है। समस्त भक्तगण अपने स्थान पे खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम ध्यान यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल ये ग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल ये ग्रंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, ओ श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भाग भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हो कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सार भुजगेन्द्र
शांतिरंतर जगुण शांति पृथ्वी शांतिराभा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु मंद पुष्पाजलिम हरि ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्थानि धर्माणि विधमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्थानि धर्माणि विधमान्या सन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम भस्भानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा सांगाय सपरकराय पुर्वाण पुरुषोत्तमाय नमः सादरमंत पुष्पांजलिम समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जगज्जननी गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी भक्तजन यथा यथा स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री की अमृतमय वाणी से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का लाभ लेकर अपने जीवन को पुण्यमय बनाएं। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम जय जय राम ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। वंशी विभूषित बराधर वीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारिदरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन कृषाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होय। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। जय मीरा के प्रभु गिरधर नाग सूरदास जी के श्याम जय नरसी जी के सांवरिया तुलसीदास
जी के राम। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। गाइए सब लोग गाइए, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि,
राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके भाव से सभी लोग गाइए, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जगत जननी गौ माता की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। गिरि गोवर्धन नाथ की जय। नंद के लाला की जय। ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जय। ठाकुर जी के नंदोत्सव की जय। वृंदावन धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री चिरहुला नाथ भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भागवत परिकर की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब आप सभी लोग बड़े ही दत्त चित्त और समाहित चित्त होकर के यहां बैठे, इधर उधर बात ना करें और बड़ी श्रद्धा भाव से हम लोग भगवान की कथा में बैठे। इस ग्राम भटलो में श्रीमद् भागवत जी की कथा का यह दिव्य आयोजन किया गया है। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी इस कथा का खूब लाभ ले रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक के रूप में स्वर्गीय श्री राम सुंदर चतुर्वेदी जी और उनका ये समस्त परिवार, जो चतुर्वेदी परिवार है, जिनके द्वारा ये अपने निज निवास पर, अपने निज ग्राम में श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन रखा गया। महाराज हमारे स्वर्गीय राम सुंदर चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी हमारी बूढ़ी मैया, जो लगभग 98 साल की हैं, वो भी बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुन रही है। मां चुपचाप बैठी रहती है एकदम। करुणा निधान, तो समस्त चतुर्वेदी परिवार के द्वारा ये आयोजित दिव्य भागवत जी की कथा, जिसका कि आज पंचम दिवस है, आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, अभी तक तो हम लोग भागवत कथा सुन रहे थे, भगवान के अन्य चरित्र सुन रहे थे,
भगवान के अन्य अवतारों की कथा सुन रहे थे, पर श्रीमद् भागवत जी जो है भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिपादन करती हैं मुख्य रूप से। तो आज से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। आज हम सबको कहां चलना है? आज हम सबको भटलों में नहीं रहना। आइए आज हम सब लोग चलते हैं गोकुल ग्राम की ओर चलते हैं महाराज, जहां भगवान का प्राकट्य हुआ है। कल की कथा में हम लोगों ने बड़े धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। थोड़ी हमारी माताएं बहनें नाचने में थोड़ी फिसड्डी रह गई, हाँ थोड़ी शर्म करती हैं, गांव देहात है ना इसलिए, नहीं तो ऐसा है नहीं है। भगवान के उत्सव में तो खूब नाचना चाहिए ना, भगवान के उत्सव में तो सबकी हाजिरी लगनी चाहिए। तो अच्छा चलो ये तो जो भी हुआ ठीक है, बहुत अच्छा आनंद आया। भाई आप लोगों को कल आनंद आया कि नहीं आया बोलो भाई, हाथ ऊपर करके बताओ सभी लोग जो कल की कथा में थे। तो सबको खूब आनंद आया कल महाराज। क्यों आनंद आया? क्योंकि हम लोगों ने ठाकुर जी का उत्सव मनाया, हम लोगों ने कन्हैया का उत्सव मनाया, इसलिए हम लोगों को खूब आनंद आया। पर हमारे वृंदावन के एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले कल आनंद आया इसलिए हम लोगों ने उत्सव मनाया। कल जो है आनंद आया इसलिए हम लोगों ने उत्सव मनाया। आनंद कैसा? बोले भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले आनंद का ही स्वरूप है माता जी। भगवान श्री कृष्ण क्या है? आनंद है। चलते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, बोलते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, थिरकते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, नाचते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, बांसुरी बजाते हुए आनंद का नाम कृष्ण है। कृष्ण माने आनंद। कल आनंद आया है इसलिए हम लोगों ने उत्सव मनाया। मेरी बात को ध्यान देकर के सुनिए भाई हो। कल आनंद रूपी परमात्मा आ गए हैं और परमात्मा के नाम में, परमात्मा के कथा में बड़ा आनंद है महाराज। अगर आनंद नहीं आता तो आप लोग क्या ऐसे 5-5 घंटे बैठे रहते? बोलो, बड़ा मुश्किल है महाराज। घर पर आप 1 घंटा एक जगह नहीं बैठ सकते। बोलो बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठा जाता है महाराज। घर पर आधा घंटा 1 घंटा एक जगह बैठना मुश्किल है, पर यहां भगवान की कितनी कृपा है, हम लोग यहां 5-5 घंटे बैठे रहते हैं क्योंकि आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है सुन करके। भागवत जी की महिमा है नारायण। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। हमारे महाराज जी हमको सुनाते थे, बोले शरद चंद्र की शोभा को उन मुक्त चकोरों से पूछो। शब्दों पे ध्यान देना, शरद चंद्र की शोभा को उन मुक्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में कितना सुख है यह बन के मोरों से पूछो, क्यों शिखा दीप पर जलते हैं यह प्रश्न पतंगों से पूछो, जल बिना मीन क्यों मरती है यह भेद मछलियों से पूछो, मकरंद कमल का कैसा है ये काले भौरों से पूछो, और हरि भक्ति में हरि नाम में कितना सुख है यह सच्चे भक्तों से पूछो। ये तो कोई भगवान का भक्ति ही बता सकता है महाराज कि कृष्ण नाम में कितना आनंद है महाराज। कल हम लोगों ने खूब आनंद लूटा और खूब टॉफियां, खूब बिस्कुट, खूब खिलौने विलौने खूब लेके गए सब लोग। जिसके पल्ले जो पड़ गया, भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी की बधाई है। तो
18 श्लोकों में, भागवत जी के 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया गया है। महाराज जी, सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया और ऐसा कहा जाता है कि ये 18 श्लोक भागवत के 18,000 श्लोकों को प्रतिपादित करते हैं। हमने ऐसा संतों के मुंह से सुना है कि जो पूरी भागवत का पाठ ना कर सके वो केवल नंदोत्सव के 18 श्लोक ही पढ़ ले उसको पूरी भागवत ही कहने का फल मिल जाता है, बांचने का फल मिल जाता है। इतनी महिमा है महाराज, इतनी महिमा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया। श्री शुक उवाच, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचि अलंकृतः वाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मामजस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। ये नंद के जो आत्मज हुए हैं, आत्मज माने खुद का पुत्र, ये जो नंद के आत्मज हैं इस समय गोकुल में भगवान पहुंच गए हैं। नंद वसुदेव जी लाला को कहां छोड़े आए? गोकुल में छोड़े आए महाराज, और वहां से कन्या को ले आए और कन्या हाथ से छूट करके मां अष्टभुजी देवी बन गई और कंस से बोली, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। और वो माताजी कहां आकर के विराजमान हुई? ये जो मिर्जापुर पड़ता है ना, मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी है, जो विंध्यांचल की देवी है, ये वही माताजी है जो कंस के हाथ से छूट करके यहां विराजमान है। आज भी अपने भक्तों को दर्शन दे रही है माता विंध्यवासिनी, विंध्यांचल मिर्जापुर। तो वहां लाला को छोड़ आए, कन्या को वहां से ले आए। अगर अब इस दृष्टि से देखें तो ठाकुर जी जो है वो नंद के आत्मज तो नहीं है। आत्मज तो वो होता है जो खुद का पुत्र हो। आपका जो खुद का पुत्र होगा वही आत्मज कहलाएगा। अब किसी को गोद ले लो, किसी दूसरे का बच्चा ले लें, उसको पाल पोस के बड़ा करें, तो वो आपका पुत्र तो है लेकिन वो आपका आत्मज नहीं हो सकता। आत्मज तो वही है जो अपनी ही आत्मा का अंश हो। तो अब सुखदेव जी महाराज इनको आत्मज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी तो आत्मज नहीं है, पर लेकिन हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि नंद बाबा के यहां पर एक कन्या ने और एक पुत्र ने जन्म लिया था और वसुदेव जी महाराज भी अपना पुत्र वहां छोड़ आए, तो वहां हो गए दो पुत्र। और देखते ही देखते वो दोनों पुत्र एक हो गए, यानी कि जो नंद के लाला थे वो देवकी नंदन में ही समाहित हो गए, उसी में उनका तिरोभाव हो गया, वो दोनों एक हो गए। इसलिए सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी को नंद जी का पुत्र कह रहे हैं, नंद जी का आत्मज कह रहे हैं। अगर ये अर्थ नहीं लगाएंगे तो फिर इस शब्द का अर्थ ही नहीं लगेगा महाराज। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामनः। आज नंद बाबा का मन इतना बड़ा हो गया, इतना महान हो गया है, बहुत महान हो गया। डॉक्टर साहब, हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे हमसे, बोले टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति को बड़ा बनना है तो अपना मन भी कैसा रखना पड़ेगा? बड़ा रखना पड़ेगा। आप समझिए मेरी बात को,
महामनः, जिसका मन उदार है, जिसका मन महान है, वही तो महामना है। छोटे मन वाला कभी महान नहीं हो सकता। जिसकी सोच छोटी होगी वो कैसे बड़ा बनेगा महाराज? बड़ा वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी सोच कैसी होगी, जिसकी सोच बड़ी होगी महाराज। तो मैंने एक जगह एक बार मोबाइल में एक मैसेज पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। वहां ये लिखा था, बोले छोटी सोच और पैर की मोच बोले व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। बोलो भाई, अगर पैर में मोच आ जाए, लचक जाए पैर, तो क्या चल पाते हैं? नहीं चल पाते। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा हमको मैसेज, बोले छोटी सोच और पैर की मोच कभी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। यानी कि अगर मन बड़ा रखना है तो अपनी सोच भी कैसी रखो, बड़ी रखो महाराज। और आज नंद बाबा का मन जो है बड़ा महान हो गया है। और एक बात और कहूं आपसे, जो घर का बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसे तो हमेशा अपना मन बड़ा ही रखना चाहिए महाराज। बोलो, अगर उसका मन बड़ा होगा तो वही संस्कार बच्चों में भी पड़ेंगे महाराज। अगर घर के बड़े व्यक्ति का मन छोटा होगा तो महाराज फिर सबके मन ऐसी हो जाएंगे। उसको अपना मन उदार रखना चाहिए। नंद बाबा बहुत प्रसन्न है ठाकुर जी को पा करके, खूब बधाई हो रही है, खूब आनंद हो रहा है गोकुल में। महामनाह आहु विप्राण वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और आज सब लोगों ने मिलकर के नंद बाबा को सुंदर श्रृंगार किया, नंद बाबा को सजा दिया। हमारे यहां ये कहा जाता है कि देखो, जैसे घर में कोई मृत्यु हो जाए तो जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक सूतक नहीं लगते हैं। सूतक कब माने जाएंगे? जब संस्कार हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे के जन्म पे सूतक कब माने जाते हैं? जब तक नाल छेदन ना हो जाए। जब नाल छेदन हो जाता है तब सूतक माना जाता है। भगवान के आने की खबर सुनकर के ही ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन करवाया। जात कर्मस जात कर्मा मजस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब इस भागवत जी के इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिल रही है? भागवत जी के इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिल रही है कि हम घर में कोई भी अपना मांगलिक कार्यक्रम करें, लेकिन अपने पितरों का पूजन जरूर करें महाराज। अपने पितरों को जरूर याद करें, अपने गुरुओं को याद करें। मान लो गुरु जी का शरीर नहीं भी है तो जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, उन्हें जरूर याद करना चाहिए महाराज। जो हमारे पितर हैं, उन पितरों को उनका अर्चन जरूर करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए महाराज। भागवत जी हमको सिखा रही है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके पितरों का पूजन कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके वंश की वृद्धि हुई है तो आपके पितरों की ही कृपा है महाराज। ये पितरों की कृपा है, आपके पितरों ने कृपा करी है तब आपका वंश आगे चला है। ये तो आपने कई बार देखा होगा, किसी किसी की कुंडली में पितृ दोष होता है। क्या होता है उसका परिणाम? पितृ दोष है, बोले बच्चा पेट में ठहर गया, दो चार महीने रहा, फिर खत्म हो गया, खराब हो गया। कि बिल्कुल होने ही वाला था, आठवें महीने का बच्चा है, लेकिन ऐसी परेशानी आ गई कि बच्चा भीतर ही भीतर खत्म हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दोष है, पितृदोष होता है, इसलिए ये सब होता है नारायण। इसलिए हमें अपने पितरों को हमेशा अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। उनकी कृपा से ही हमारा वंश चल रहा है महाराज। तो यहाँ भागवत जी से हम लोग सीखें। भागवत जी हमको ये शिक्षा दे रही हैं कि नंद बाबा ने भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया और पितरों का पूजन करवाया, पितृदेवार्चनम तथा। खूब गैया दान करी महाराज, 200,000 गैया दान करी। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, गायों को सुंदर सजा करके, दुशाला उड़ा करके और बढ़िया दान पुण्य किया, गायों का दान किया है महाराज। और खूब आनंद हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है महाराज। और सुनिए ध्यान से,
किसी ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप भी नाचो। क्यों भाई आप भी नाचो? क्यों डॉक्टर साहब कोई अगर आपसे कहे कि डॉक्टर साहब आपको नाचना पड़ेगा, तो आप उससे ये कहोगे भैया अब कहाँ ही नाचने की उम्र है, हम तो देखेंगे तुम लोग नाचो, यही तो कहा जाएगा? बोले अब शरीर नहीं रहा। एक मन में ऐसा आएगा, बोले अब क्या नाचेंगे, अब उम्र गई नाचने वाली, अब तो बैठ तुम लोग बच्चे लोग नाचो देखेंगे हम। लेकिन ब्रजवासी नहीं माने, ब्रजवासी बोले बाबा आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। तो हमारे ब्रज में एक कहावत है डॉक्टर साहब, हमारे ब्रज में कहते हैं कि नंद बाबा बोले, बोले मैं तो है गयो डोकरा। डोकरा समझते हो कि नहीं? बोले बूढ़ी मैया को कहते हैं डोकरी और बूढ़े को कहते हैं डोकरा, हमारे ब्रज की बात है। तो नंद बाबा बोले, बोले मैं तो है गयो डोकरा, अब मुझसे नहीं नाचा जाएगा। तो ब्रजवासी इतने चालाक इतने तेज होते हैं, ब्रजवासी तुरंत क्या बोले, बोले बाबा जब तू है गयो डोकरा तो तेरे घर में कैसे है गयो छोकरा, ये बताओ डोकरा के छोकरा कैसे है गयो, तुम्हें आज नाचना ही पड़ेगा। तो नंद बाबा भी खूब आनंद से नाचे महाराज जी, करुणा निधान एक दूसरे के मुंह पर दही मल देते हैं, माखन मल देते हैं और दूध से स्नान करा देते हैं। माखन मुंह पर मल देते हैं, जैसे होली के समय पर रंग मुंह पे लगा देते हैं ना, वैसे माखन मुंह पे लगा देते हैं हमारे। एक हमारी ऐसी मैया थी, हमारी डोकरी बैठी है ना माता जी हमारी, ये भी बैठी बैठी देख रही थी नंदोत्सव। इतने में इनको आई जम्हाई, उबासी आई, जम्हाई समझते ना, इनको उबासी आई। तो इतने में जब मुंह जैसे ही खुला तो हमारी डोकरी के मुंह में न जाने कहां से एक माखन का लौंदा मुंह में आया सीधा, मारा ऐसा निशाना फिट बैठा, सीधा मुंह में आ गया। तो डोकरी क्या बोली, बोले आहा, बोले बड़ो मीठो है, बोले ऐसो नंदोत्सव तो रोज होनो चाहिए भाई, बड़ो आनंद आ गयो। मतलब कुल मिलाकर के सब बड़े आनंदित हैं, सब लोग बड़े सुखी हैं, भगवान के नंदोत्सव में सब लोग बड़े सुखी हैं, हमारे सब लोग बड़े आनंद हैं। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद बच्चों को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लापसी, बच्चों को लड्डू पेड़ा बूढ़ों को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद लाल की। बच्चों को लड्डू पेड़ा और बूढ़ों बूढ़ों को क्या दी,
लापसी समझते हो कि नहीं? क्यों भाई, समझती हो माता बहनों? हाँ, लापसी समझती हो ना, ठीक है। लापसी खाने के लिए कोई दांत की आवश्यकता नहीं है, है क्या? बिना दांत वाला भी खा सकता है आराम से। तो बच्चों को लड्डू पेड़ा और बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आसिंचतो विलिपन्तो नवनीते शिक्षपु, एक दूसरे को आसिंच कर रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे पर माखन मल देते हैं महाराज। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मागद बंदेभ्यो ये निविद्योपजीविनः। छोटा मोटा काम करके कामकाज करने वाले सूत हैं, मागद हैं, बंदी जन हैं, जानते ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करने वाले, वो लोग भी वहां पर गए हैं तो नंद बाबा ने उनको भी खूब दिया है महाराज। छोटे मन से नहीं लुटाया, बड़े उदार मन से दिया है महाराज। नहीं तो देखो, हमारी बात का बुरा मत मानना माताओं बहनों, सही सही बताना, जब आप किसी को देती हो तो कैसे देती हो? शक्ल देख देख के दिया जाता है महाराज। बोलो कौन कैसा है, इसको क्या देना है। पर लेकिन सुनो, जो घर में काम काज करने वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है महाराज। बोलो, आप अपने लड़के की शादी कर रहे हो, हमारी बात को समझना, आप अपने लड़के की शादी कर रहे हो और घर में जो काम काज करने वाले कुछ नौकर हैं, चाकर हैं, तो उनको भी तो एक उम्मीद होती है कि सेठ जी लड़के की शादी कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ, हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा भाई, कुछ साड़ी मिलेगी, मिठाई मिलेगी, डिब्बा मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, नौछावर मिलेगी, उनको भी तो उम्मीद होती है। और मेरा तो ऐसा मानना ये है, क्यों डॉक्टर साहब, हमारा तो ऐसा मानना है कि जब किसी को देना चाहिए तो अच्छे मन से देना चाहिए और अच्छी वस्तु देनी चाहिए बात। नहीं तो अब आजकल तो ये ट्रेंड खत्म हो गया, पहले तो ये ट्रेंड चलता था, कथा में जाना है तो दुकान पे जाते थे, कपड़े की दुकान पर गए तो क्या कहती थी, बोले धोती दिखाओ, बोले पंडित जी को धोती देनी है, बोले कैसी धोती, बोले कथा में चढ़ानी है, कथा के हिसाब से दिखाओ। तो वो भी बेचारा ऐसी धोती दिखाता था कि पंडित जी बेचारे एक ही बार ना पहन पाए महाराज, तो पहली बार में धोती का गमछा बन जाए, क्यों भाई। हाँ, एक जगह तो हमने देखा, एक माता जी एक दुकान पर गई, देखो बुरा मत मानना, देखो अब ऐसा नहीं होता, पहले ऐसा होता था। एक माता जी दुकान पर गई और क्या बोली, बोले हमें कथा में बर्तन देने, बर्तन चढ़ाने, बर्तन दिखाओ। तो दुकानदार भी समझ गया कौन से बर्तन दिखाने जो कथा में देने हैं। महाराज उसने ऐसा गिलास दिखाया, गिलास ऐसे दबा दो तो दब जाए, एकदम फूंक मार दो तो उड़ जाए, ऐसा देने से क्या फायदा, अच्छा बोलो। आप मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपका पैसा भी खर्च हो गया और सामने वाले के किसी काम भी नहीं आया महाराज, हम ये कहना चाह रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों भाई, भाई आपका तो पैसा भी लग गया और सामने वाले के किसी काम भी नहीं आया, तो कम से कम ऐसी वस्तु तो दे अच्छी सी जो सामने वाले के उपयोग हो सके। नंद बाबा ने दिया है तो कोई चेहरा देख देख के नहीं दिया, जिस जो हाथ में आ गया प्रेम से वही लुटा दिया महाराज। क्योंकि ये जो घर में काम काज करने वाले हैं इनको भी कुछ उम्मीद होती है महाराज, इनको भी लगता है कि नहीं हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो सूत मागद बंदिभ्यो येने विद्योपजीवनः, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवास हस्त्रकंठा भरण भूषिता। नंद बाबा ने रोहिणी जी का सम्मान किया, यशोदा जी का सम्मान किया है महाराज। घर की जो गृहिणी है ना उसका पूरा सम्मान करना चाहिए महाराज, क्यों भाई।
ये घर में जो माताएं बहनें काम करती है, ये कोई घर की नौकरानी है क्या? नहीं, ये सुबह से लेके शाम तक घर का सारा काम करती हैं। बच्चों को भी तैयार करना, स्कूल भेजना, पति को भी अपने दुकान भेजना, खेत पर भेजना, वहां भोजन लेकर के पहुंच जाना, या घर पे भोजन बना करके तैयार रखना। क्यों? बोले आते होंगे, बोले भोजन तैयार रखो भाई, भोजन करने आ रहे होंगे। फिर बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया, अरे बोले तैयारी करो, बच्चा आ रहा होगा भाई, तैयारी कर। ये सुबह से लेके शाम तक माताएं बहनें घर के काम में लगी रहती हैं, तो ये अपना फर्ज समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके करती हैं, तो वही इनका समझना चाहिए। कोई इन्हें घर की नौकरानी थोड़ी समझना चाहिए, घर की नौकरानी थोड़ी कोई है। नहीं महाराज, घर की गृहिणी का पूरा सम्मान होना चाहिए। जो घर की गृहिणी है, हमने देखो कई जगह पढ़ा है, जिस घर की गृहिणी दुखी रहती है, कुड़ती रहती है, अंदर ही अंदर परेशान रहती है, रोती रहती है, उस घर से लक्ष्मी उस घर को छोड़ करके चली जाती है। अगर घर की गृहिणी परेशान होगी, उसे दुख दिया जाएगा, तो लक्ष्मी तो वहां से चली ही जाएगी। और निश्चित मानना, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहीं देवता लोग निवास करते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। तो भागवत जी से सीखो। नंद बाबा रोहिणी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, यशोदा को धन्यवाद दे रहे हैं कि अरे रोहिणी, अरे यशोदा, आज तुम्हारी वजह से ही घर में इतना बड़ा उत्सव हो पाया है, तुम्हारी वजह से हुआ है। घर की गृहिणी को सम्मान देना चाहिए। एक बात कहूं आपसे, आप लाखों रुपए खर्च करके मकान बना सकते हो, मकान तो बनाया जा सकता है, आप लाखों रुपए खर्च करके मकान बना सकते हो, पर लेकिन उस मकान को घर बनाने वाली तो गृहिणी होती है महाराज। घर तो गृहिणी से ही होता है, बोलो, घर तो गृहिणी से ही होता है, स्त्री से ही घर होता है। और जिस घर में स्त्री नहीं है, देखो वो घर काटने को दौड़ता है महाराज। बोलो, जिस घर में स्त्री ना हो, वो घर काटने को दौड़ता है। मेरा कहने का भाव ये है, नंद बाबा ने बहुत सम्मान किया है। और करुणानिधान, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभूत। साक्षात लक्ष्मी जी आ गई, उस नंदोत्सव को देखने के लिए लक्ष्मी जी आ गई। और आप जरा विचार करें, जिस गोकुल में लक्ष्मी जी साक्षात उतर के आ गई हो, तो वहां किसी चीज की कमी रहेगी क्या? कोई कमी नहीं रहेगी। रमा क्रीड मभू नृप, लक्ष्मी जी नृत्य कर रही हैं। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धि मा, खूब ब्रज में महाराज आनंद हो गया, आनंद हो गया, खूब ब्रज में आनंद हो रहा है। हो लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार। तंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। तंद घर लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो जय जय।
जायो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय 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 जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ लाल जायो है यशो कन्हैया लाल की जय हो। आहा, बड़ा सुंदर नंदोत्सव मनाया गया महाराज। और अब नंद बाबा को अचानक याद आया, बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, नंद बाबा को याद आया कि कंस को कर चुकाना है और डेट निकल गई। देखो तो पहले के राजा महाराजा अपने सब गांव वालों से प्रधान से क्या लेते थे, कर लेते थे, बोले कर चुकाना पड़ता था। अब परंपरा वही है, पहले रियासतों के कर वहां बड़े राजा के हाथ दिए जाते थे, अभी सिस्टम सब चेंज हो गया। अब आजकल इनकम टैक्स पहले ही कट जाता है हमारा, टीडीएस पहले ही काट लेते हैं हमारा, जहां इनकम का सोर्स हुआ टीडीएस कट जाएगा पहले, उसके बाद फिर रिटर्न फाइल करो, ये करो, वो करो, ऑडिट कराओ, बहुत दुनिया भर के झंझट है हमारा। तो आजकल की गवर्नमेंट जैसे टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, सीएसटी है, जीएसटी है, ये सब लगता है ना सब, तो पहले के राजा महाराजा भी अपने प्रजा वालों से कर लेते थे। तो नंद बाबा क्योंकि गांव के प्रधान हैं, तो वो पूरे गांव का कर इकट्ठा करके कंस के यहाँ मथुरा में जमा करने जाते थे, और वो जमा करने की तिथि होती है, डेट होती है, वो तिथि निकल गई। नंदोत्सव में इतने मगन हो गए कि कर जमा करना है दिमाग से ही निकल गया। बाद में उनको याद आया कि अरे चलो अब कर जमा करके आए। तो गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। ध्यान दे के सुनो भाइयों, करुणा निधान स्वयं मथुरा चले गए गोकुल की कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे करके, भाई देखो मेरे लाला की रक्षा करना, गोकुल का ध्यान रखना। भाई जैसे कोई कोई बड़ा व्यक्ति घर का अगर घर से जा रहा हो दो चार पांच दिन के लिए, तो अपने सब बच्चों को क्या बोल के जाता है कि भाई थोड़ा सा घर का ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे बावले मत हो जाना कि मोटर चल रही है तो चली रही है, ये हो रहा है, लाइट चल रही है, तो वो समझा के जाते हैं बड़े लोग। बड़े लोग समझा के जाते हैं, बोले पीछे से घर का ध्यान रखना। तो नंद बाबा भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे करके स्वयं मथुरा चले गए, खूब सारी मिठाई ले ली, खूब सारे फल ले लिए और बधाई ले ली। बोले नंद कंस को बधाई देंगे जाकर के लाला की, जाकर के कर चुकाया कंस को। सुनो ध्यान से, कंस को जाकर के कर चुकाया, और कर चुकाने के बाद कंस ने पूछा कि बाबा इतना सारी मिठाई लेके आए हो, इतने सारा फल लेके आए हो, क्यों? बोले महाराज क्या बताऊं, बड़े खुशी की बात है कि मेरे यहाँ पर लाला ने जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म लिया है, ये उसी की बधाई है। कंस ने कहा बहुत बहुत बधाई हो लाला भयो तुम्हारे यहाँ, और मैं भी तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देता हूं। अब ये ध्यान दे के सुनना कि कंस ने नंद जी के लाल को क्या आशीर्वाद दिया। डॉक्टर साहब उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया कंस ने? कंस ने कहा हम भी तुम्हारे लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं,
कि उसके सब दुश्मनों का नाश हो जाए, उसके सब दुश्मनों का नाश हो जाए। तो हे भगवान, पहले तेरे ही है जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो तू ही है। तो मुंह से क्या निकला कंस के, देखो, कंस के मुंह से निकला कि तुम्हारे लाला के सब दुश्मनों का नाश हो जाए। अब ये लाला के लिए तो आशीर्वाद है, लेकिन कंस के लिए क्या है? कंस का ही नाश हो जाएगा महाराज, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है। करुणा निधान, जब नंद बाबा ने कर चुका दिया, और कर चुकाने के बाद वसुदेव जी से उनकी मित्रता है, नंद बाबा की वसुदेव जी से मित्रता है। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंदमागत ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे ययो तदवमोचनम। वसुदेव जी महाराज ने जब नंद बाबा को मथुरा आए हुए देखा तो मन में बड़ी चिंता हो गई कि मैं तो अपने लाला को इनके भरोसे छोड़ करके आया हूं, ये तो यहीं घूम रहे हैं। भाई वसुदेव जी तो कन्हैया को वहां छोड़ करके आए हैं। बोले मैं तो अपने लाला को इनके भरोसे छोड़ करके आया हूं, ये तो यहां घूम रहे हैं। पूछा, बाबा कैसे आना हुआ? बोले मैं कंस को कर चुकाने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, सही है। अब आप जल्दी से लौट जाइए। आप वसुदेव जी नंद बाबा से मिले, नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, कंठ मिले, गले से लगा लिया महाराज। और नंद बाबा ने कहा कि मेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया है, उसी की बधाई देने के लिए आया था, और माफ करना मैंने आपको बुला नहीं पाया। क्यों नहीं बुलाया? बोले क्या बताऊं, जब मुझे पता लगा कि कंस ने आपके 6-6 पुत्रों की हत्या कर दी, तो मुझे अपने घर के उत्सव में आपको बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। कि आप पर क्या बीत रही होगी कि जिसके 6-6 पुत्रों को कंस ने मार दिया महाराज, उसके हृदय पर क्या बीतेगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। पर नंद बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने इसलिए आपको नहीं बुलाया। तो वसुदेव जी बोले कि देखो नंद जी, दुख की बातों को बार बार याद नहीं करना चाहिए। अगर दुख की बात को बार बार याद करेंगे तो उतना ही दुख बार बार होगा महाराज। भाई कोई बात अगर आपको खराब लगी है, किसी बात से अगर आपको दुख पहुंचा है, तो उसे जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करो। अगर बार बार उसकी चर्चा करेंगे तो उतनी बार फिर दुख होगा महाराज। कोई दुख की बात हो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, और कोई सुख की बात हो तो सुख की चर्चा करनी चाहिए, दुख की बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, अब वो चर्चा का विषय नहीं है, वो चर्चा का विषय नहीं है। करुणा निधान, वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से कि आप जल्दी से जल्दी लौट जाइए, मुझे मेरा ज्योतिष कह रहा है, मेरी गणना कह रही है। देखो तो पहले के लोग इतने विद्वान होते थे। अच्छा, इन बड़े बूढ़ों से पूछो आप, इन्होंने कभी हाथ में घड़ी नहीं बांधी? ये ऊपर देख करके, सूरज को देख के ही बता देते थे, बोले इतने बजे होंगे, इनको अंदाजा इतना अच्छा। और कई लोग तो इतना अंदाजा, उनको ऐसा ज्ञान होता है महाराज, वो देख के बता देंगे, बोले पानी कब बरसेगा, कब क्या होगा, बोले क्या कौन सी घटना घटने वाली, उनको इतना ज्ञान होता था महाराज। वसुदेव जी बोले नंद बाबा से कि मेरी ज्योतिष की गणना कह रही है कि गोकुल पर कोई ना कोई संकट आने वाला है, गोकुल पर संकट आने वाला है, इसलिए मेरी बात मानो नंद बाबा, आप जल्दी से गोकुल लौट जाओ, आप जल्दी से गोकुल लौट जाइए। नंद जी ने कहा, अहो ते देव की पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। वसुदेव जी ने कहा, करो वे वार्षिको दत्तो रागे दृष्टा वयम च वः नेस्थेयं बहुतिथं संत्युपाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा आप जल्दी से लौट जाइए। तो श्री
नंद बाबा हरि शरणम कीर्तन करते हुए नंदः पथि गचः शौरेन मर्षेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पागम् शङ्कितः हरि शरणम्। कीर्तन करते हुए यही कीर्तन करते हुए नंद बाबा गोकुल की ओर जा रहे हैं। आप लोग भी इस कीर्तन को करो और जब भी मौका लगे ऐसे कहते रहा करो हरि शरणम 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 ओ दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम ओ दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 ओ हरि शरणम हरि नन्दः पतिवचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पाता गमशङ्कितः। श्री नंद बाबा जी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गाते हुए चल दिए मथुरा से गोकुल की ओर चल दिए। इधर कंस ने एक मीटिंग बुलवाई, बहुत ध्यान दे के सुनना। कंस ने मीटिंग बुला करके ये कहा कि इतनी सुरक्षा करने पर भी वो देवकी का आठवां गर्भ हाथ से कैसे निकल गया। तो जैसे कंस दुष्ट है उसके सलाहकार भी कैसे हैं, वही उसके वैसे ही लोग उसको सलाह देने वाले हैं महाराज। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि अपना संग बहुत अच्छा रखो, क्योंकि कई बार व्यक्ति गलत नहीं होता है लेकिन गलत संगत में पड़ करके वो गलत निर्णय ले लेता है महाराज। हम तो आजकल के बच्चों से भी कहते हैं, जो आजकल बच्चे हैं ना महाराज, ये बड़ी आजकल बड़ी क्रिटिकल स्थिति है, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी दूसरी बातों में आ जाते हैं। हम इन युवा वर्ग को खास तौर से बच्चे जो है ना 10-12 साल के 15 साल के, इन विशेष तौर पर इन बच्चों से मैं कहता हूं कि भैया जो तुम्हें अच्छी बात बताए उसी के संग उठो बैठो, जो आपको पढ़ने लिखने की बात करे उसी के संग बैठो, जो आपसे गलत बात करे गंदी बात करे उसके पास बैठने से कोई लाभ नहीं है महाराज।
करुणा निधान अपने बच्चों को संस्कार दे महाराज जी, बहुत जल्दी असर होता है महाराज। हमारा संग कैसा है, कई बार व्यक्ति बुरा नहीं होता लेकिन उसको संगत खराब मिल जाती है, इसलिए संग दोष बहुत बड़ा दोष है। हमारा उठना बैठना किनके साथ होता है, हमारी बैठक किनके साथ होती है, ये बहुत मायने रखता है महाराज। हम किनके संग बैठते हैं, जिसके संग बैठोगे वैसी ही सोच बन जाएगी नारायण। इसलिए अच्छे व्यक्तियों का संग करें। करुणा निधान अच्छे लोगों का संग करें नारायण। हमारे यहां कहा गया, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है पड़त भजन में भंग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, अच्छे लोगों का संग करें महाराज। संग दोष बहुत बड़ा दोष है, हम लोग विचार नहीं करते, बाद में जब ठोकर खाते हैं तब समझ में आता है। अपने संग को अच्छा रखें। कंस के जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, उन्होंने क्या सलाह दी कंस को, महाराज आप क्यों चिंता करते हैं, आपका शत्रु ब्रज में ही है, ब्रज से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और हमारी बात मानो, इस ब्रज में इनके 84 कोस ब्रज मंडल में पिछले 10 दिनों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया हो उन सबको मरवा दो। बोले पता लगा लगा करके मरवा दो तो आपका शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगा ही वो। और कंस को यह सलाह बड़ी अच्छी लगी, और इस कार्य को करने के लिए कंस ने किसको बुलाया, पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुं चचार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादिषु। ये कंस की बहन लगती है, क्यों भाई, कंस कौन है, भगवान श्री कृष्ण के मामा, और ये मामा जी की बहन है तो भगवान की कौन हो गई, भगवान की तो मौसी हो गई ना, मौसी हो गई ना। अरे मामा की बहन कौन लगेगी, अरे मौसी तो लगेगी। तो ये पूतना मौसी जो है इसको नियुक्त किया गया। बोले आप जो है, बोली बहन तुम्हें मेरा एक काम करना है। बोले भैया बताओ भैया क्या करना है। बोले पिछले 10 दिनों में ब्रज में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको समाप्त करो तो मेरा शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो करें, खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तब क्या होगा। बोले यही काम शुरुआत करो, पहले बच्चों को मारो, और ये बाल घातनी है, ये बच्चों पर ही घात लगाती है, ये बच्चों को ही मारती है, इसका काम ही यही है महाराज, उन्हीं का रक्त पीती है, उन्हीं का मांस खाती है ये। तो पूतना बाल घातिनी शिशुं चचार निघ्नंती पुरग्राम ब्रजादिषु। ये पुरग्राम में होती हुई बच्चों को मारती हुई, क्योंकि छोटा बच्चा तो क्या बोलो, जो 5-6 दिन का बच्चा होगा वो क्या लेगा भाई, वो तो अपनी माता का दूध ही पिएगा ना। तो इसने यही निकाला, बोले छोटे बच्चों को मारना है तो अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई है महाराज, अपने स्तनों पर हलाहल जहर लगा करके आई है। और जैसे ही अपना स्तन बच्चे के मुंह में रखती है और बच्चा दूध पीने लगता है वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है महाराज। पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया कि बच्चे मर रहे हैं, कैसे मार रही, कौन मार रहा है, कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भेष बदल करके जाती है। इसका वेश तो वैसे भयानक है पर भेष बदल करके जाती है, बच्चों को मार देती है। बड़ा ब्रज में हाहाकार मच गया, बोले बच्चों को मार रही है। और इसी तरह से बच्चों को मारती मारती जब ये पहुंची है गोकुल ग्राम में। हमारे यहां जब बच्चा का जन्म होता है तो 6 दिन बाद क्या मनाते हैं, 6ठे दिन क्या मनाते हैं, उसकी छठ होती है। वो यहां भी होती है कि नहीं, बोलो भाई, बच्चे का छठ पूजन होता है, छठी होती है। तो आज कन्हैया 6 दिन के हो गए,
आज कन्हैया 6 दिन के हो गए तो कन्हैया की छठ उत्सव चल रहा है। घर में बहुत काम का ऐसे ही ये पूतना भी बनावटी रूप लेकर के बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके बढ़िया रेशमी साड़ी पहन करके और बढ़िया महाराज कमर मटकाती हुई और धीरे धीरे चलती हुई और गोकुल की गलियों में चल रही है और पहुंची है नंद भवन में। क्योंकि इसको इसने पता लगाया, बोले पिछले 10 दिनों में किसके यहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो ब्रजवासी तो इसे क्या समझ रहे थे, बोले ये लक्ष्मी जी हैं। अगर मान लो पूतना समझते, राक्षसी समझते, तो कभी भी नंद भवन का पता नहीं बताते। लेकिन ये पूछते पूछते पहुंच गई, ब्रजवासियों से पूछा पिछले 2-4-10 दिन में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो ब्रजवासियों ने बड़ा छाती चौड़ी करके बताया, बोले हमारे नंद जी के यहां लाला हुआ है। बोली बस हो गया हमारा काम, वहीं जा रही हूं अब। तो ये पूछती पूछती कहां पहुंची, नंद भवन में पहुंची, बढ़िया सुंदर रूप बना करके। और इसने ऐसा क्या है इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ये जो पूतना नाम है, पूतना शब्द है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका, ये पूतना कौन है, ये पूतना कोई और नहीं, यही अविद्या है, यही माया है। ये भ्रम में डालना चाहती है, जैसे हम लोग भी माया के चक्कर में, अविद्या के चक्कर में ही तो फंस जाते हैं महाराज, ये पूतना ये अविद्या ही तो है, अविद्या रूपी माया है ये पूतना, यही वासना है। किसी भी अर्थ में हम पूतना को देख सकते हैं महाराज, वासना के रूप में देख सकते हैं, अविद्या के रूप में देख सकते हैं। जाने के, वासना जाने के, विकार जाने के, काम क्रोध लोभ राग द्वेष, जितने भी विकार आप काउंट कर लो, जितने भी गिन लो, इन सब के भीतर जाने के दो ही रास्ते हैं, या तो वो आंख के द्वारा जाएंगे या कान के द्वारा जाएगा, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है महाराज। आप सोच करके देख लेना, आप जाकर के, जब भी गंदगी भीतर जाएगी या तो देखने से जाएगी या सुनने से जाएगी, कोई भी विकार अगर भीतर जाएगा, कोई भी विकार, कोई भी वासना अगर भीतर जाएगी तो या तो आंख के द्वारा जाएगी या कान के द्वारा जाएगी, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है महाराज। और सबसे पहले जो प्रेम चालू होता है वो नेत्रों से ही होता है, आकर्षण वहीं से होता है महाराज। तो भगवान ने इसकी ओर देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा, बोले अगर हमने इसकी ओर देख लिया तो इसको हमसे प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और अगर इसको हमसे प्यार हो गया तो फिर हम इसका उद्धार कैसे कर पाएंगे। आज आज तो हमें मौसी जी का उद्धार करना है, अगर मौसी जी हमसे प्रेम करने लगेंगी तो फिर मौसी जी का उद्धार करेंगे कैसे आज हम। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, बोले हमने देखना ही नहीं है मौसी जी की तरफ, देखेंगे ही नहीं। दूसरा भाव क्या है कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, ये सब हमारे ब्रज के संतों के भाव हैं।
भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान का एक नेत्र है सूर्य और एक नेत्र है मानो चंद्रमा। हम ऐसी धारणा करते हैं कि भगवान का एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्रमा है, तो मानो सूर्य चंद्रमा ने कहा कि प्रभु आज आप इसका उद्धार करना चाहते हो पर हम अपने रास्ते से जाने नहीं देंगे, इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने रास्ते बंद कर लिए महाराज। दूसरा भाव। तीसरा भाव यह है कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए, बोले ठाकुर जी ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए मानो नेत्र बंद करके देवादिदेव महादेव का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? अरे शंकर जी को क्यों याद कर रहे हो? शंकर जी की याद कैसे आ गई कन्हैया जी? क्या बात है, महादेव कैसे याद आ गए? महादेव इसलिए याद आ गए कि ठाकुर जी ने अपने मन में सोचा कि मैं तो ब्रज में आया था, दूध पीऊंगा, दही खाऊंगा, माखन खाऊंगा, घी पीऊंगा, छाछ पीऊंगा, पर लेकिन हे भगवान, हे महादेव, ऐसी नौबत आई है, ऐसी किस्मत खराब है कि पैदा होते ही जहर पीने की नौबत आ गई है। ये मौसी जी क्या पिलाने के लिए आई है? ये जहर पिलाने के लिए आई है। तो किसी ने कहा, बोले महादेव को क्यों याद कर रहे हो? बोले महादेव को तो जहर पीने की आदत है। बोले हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे ध्यान में आ जाएं, तो जहर जहर आप पी जाओ, दूध दूध हम पी जाएंगे। मानो महादेव को बुला रहे हैं, मानो नेत्र बंद करके शंकर जी को याद कर रहे हैं महाराज। क्योंकि महादेव ने जहर पी भी लिया पर उस मह जहर का महादेव पर कोई असर नहीं हुआ महाराज, कोई असर नहीं हुआ महाराज। जहर पी गए शंकर जी, कंठ में ही रोक लिया महाराज, कंठ में ही रोक लिया। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। तो मानो नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे महादेव आप मेरे ध्यान में आ जाओ, जहर जहर आप पी जाओ, दूध दूध हम पी जाएंगे। चौथा भाव, हमारे ब्रज के संतों ने कहा कि मानो नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले भगवान ने नेत्र बंद करके ये देखना चाहा कि आखिरकार ये पूतना है कौन, आखिरकार ये पूतना है कौन जो मेरे द्वारा मरने चली आई, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है। और जब नेत्र बंद करके भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो ये तो राजा बलि की कन्या है, इसका नाम है रत्नमाला। पिछले जन्म में
भगवान ने इसका पूरा बायोडाटा देख लिया, पूरा रिज्यूम देख लिया इसका कि कौन है। भगवान ने पूरा इसका बायोडाटा देख लिया, बोले है कौन ये? अरे ये तो राजा बलि की कन्या है रत्नमाला। जब इसने मुझे वामन के रूप में देखा था, जब मैं वामन बना था, तो इसके मन में ये इच्छा आई थी कि मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो मैं भी उसे दुग्ध पान कराती, मैं भी उसका लाड प्यार करती। तो भगवान ने उस समय कहा था कि तेरी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला आज पूतना बन गई है, पूतना बनकर के आई है और भगवान को अपना स्तन पिलाना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है। आज ठाकुर जी इसके भाव को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय इसने ये भाव किया था कि ऐसा बच्चा मेरा भी होता तो मैं भी उसे दुग्ध पिलाती, दुग्ध पान कराती, मैं भी उसे दुग्ध पान कराती। और इसने देखते ही देखते अपना स्तन भगवान के मुंह में लगा दिया। महाराज, इसने अपना स्तन भगवान के मुख में लगा दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिवत सा मुंच मुंचाल्मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। अपना स्तन जैसे ही भगवान के मुंह में लगाया तो भगवान ने छोटे छोटे हाथों से इसके स्तन को जोर से पकड़ लिया और भगवान दूध पीने के साथ साथ इसके प्राणों को भी पीने लगे। दूध पीने के साथ साथ भगवान इसके प्राणों को भी पीने लगे। और भगवान से क्या कहती है, सुनो माता जी, भगवान से कह रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। भगवान कह रहे हैं कि देख मौसी, हम तो पहले किसी को पकड़ते ही नहीं है, क्या समझे? भगवान कह रहे हैं मैं पहले खुद चल करके किसी को पकड़ता नहीं हूं और एक बार जब पकड़ लेता हूं तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूं। क्यों भाई? भगवान बोले मेरा यही सिद्धांत है, मैं इंसानों के जैसा नहीं हूं कि काम था तो पकड़ लिया और काम निकल गया तो छोड़ दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। बोले अब क्या करना है, इनसे कोई काम ही नहीं है। बोले मैं इंसान के जैसा नहीं हूं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, इंसानों के जैसा मैं नहीं हूं, मैं पकड़ता नहीं हूं और एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर सारी जिंदगी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फिर मैं, तो इसलिए छोड़ने की बात तो करो ही मत मौसी, आज तो तुम्हारा उद्धार होने जा रहा है। और करुणा निधान दूध पीते पीते भगवान ने इनके प्राणों को भी पी लिया, अपने विशाल काय रूप में प्रकट हो गई और धड़ाम से धरती पर नीचे गिरी। गोविंदाय नमो नमः। इसके प्राण निकल गए महाराज। और प्राण निकलने के बाद चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, चाहे कोई कितना भी मलूक हो, पर लेकिन वो शरीर फिर किसी काम का है क्या? प्राण निकलने के बाद चाहे कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक प्राण है तब तक व्यक्ति ये सब देखता है। करुणा निधान इतनी जोर से गिरी, चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत दत्पुतम। कितने ही वृक्षों का इसने चूर्ण बना दिया। अब इतना विशाल काय शरीर गिरेगा तो कितने वृक्षों को लेकर के दब गई महाराज, और कितने वृक्ष इसके नीचे दब करके चूर्ण बन गए चूर्ण, कितने पत्थरों को इसने दबा दिया महाराज, इतनी जोर से आवाज हुई। अब यशोदा जी को याद आई कि मेरा लाला कहां पर है, इतनी जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी वहीं भागे महाराज, सारे ब्रजवासी वहीं भागे, यशोदा जी भागी। और ये क्या जाकर के क्या देखा कि भगवान तो पूतना के पेट पर खेल रहे हैं। इतना विशाल काय शरीर है तो विशाल काय पेट भी तो है उसका, उसके पेट पर भगवान खेल रहे हैं। जैसे तैसे भगवान को नीचे उतारा और तुरंत कहां लेकर के गई, तुरंत यशोदा मैया गौशाला में लेकर के गई महाराज।
अब आप एक चीज समझ लीजिए, गौ माता भगवान की भी भगवान है। जिस गाय को तुमने अपने घर से निकाल दिया ना, जिस गाय को तुमने अपने घर से निकाल दिया, वो गौ माता भगवान की भी भगवान है। भगवान को गौशाला में लेकर के गई हैं यशोदा जी और गोबर गोमूत्र से स्नान कराया, पूरे शरीर पर गोरज लगाई है। गौशाला की मिट्टी भगवान के पूरे शरीर पर लगाई, गायों के चरणों की रज पूरे शरीर पर भगवान के लगाई है, फिर गोबर लगाया है और फिर भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया है। और तब यशोदा जी कहती हैं कि अब मेरे लाला पवित्र हो गए महाराज। यानी कि भगवान को भी पवित्र करने वाली कौन है? भगवान को भी पवित्र करने वाली गौ माता है महाराज। और यहाँ ये जो कथा हो रही है ये गौ माता के सेवार्थ ही हो रही है। और पीछे गौ माता का हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं महाराज, हम लोग गौ पूजन भी करते हैं, गौ माता की परिक्रमा भी लगाते हैं और यहाँ पर तुला दान का कार्यक्रम भी चल रहा है। आज हम लोग सवेरे प्रताप गौशाला गए थे झोटिया, यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर है, तो सुबह सुबह गए 9 बजे 1 बजे लौट करके आ गए। आज वहाँ सब भक्तों को मैंने कल आने के लिए बोला है, कल प्रताप गौशाला से सारे भक्त गो भक्त आएंगे कल यहाँ पर महाराज, मैं उनको बोल करके आया हूँ। तो जितने भी गो भक्त हैं प्रताप गौशाला के सब लोग आएंगे। तो यहाँ जो पीछे ये तराजू लगा हुआ है इसमें तुलादान होता है। तुलादान में रोज आपको समझा रहा हूँ, अपने शरीर के बराबर गौ माता के लिए दान करना, इसको तुलादान कहते हैं। जैसे हमारा मान लो वजन 80 किलो है 60 किलो है, तो अपने वजन के बराबर हम लोग गेहूं चावल चना चोकर खरी जो भी आपकी इच्छा हो वो हम गौ माता के लिए, जो गौ माता प्रसाद पाती है वो दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि रोज जो है तीन चार रोज हो रहे हैं तुलादान। और आज तो हमारे विकास जी ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी है भाई, आज तो लिस्ट लंबी है। आज के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दे करके सुने, इन लोगों का तो तुलादान कथा के बाद होगा ही। और जो भी करना चाहें तो आप मोहित जी को या विकास जी को अपना नाम नोट करवा दें, तो उनका भी बाद में अनाउंसमेंट कर देंगे। देखिए वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ बैनर लगा रखा है कि किस चीज से दान करेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप गौ माता के लिए दान करेंगे आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे, आपके पितर राजी होंगे महाराज, क्योंकि गौ माता उस प्रसाद को पाएगी महाराज। गेहूं से कर सकते हैं, चावल से करो, जो भी आपकी श्रद्धा हो महाराज, जो गौ माता पा सके वो उससे हमको करना चाहिए। तो आज के जो है थोड़ा सा इनकी इच्छा रहती है कि महाराज जी आप नाम बोल देंगे तो और नाम आ जाएंगे, तो मैं बोल देता हूँ। हमारे नरोत्तम चतुर्वेदी जी बबलू जी पशु आहार से तुलादान करेंगे। मानसी तिवारी जी, आप ताली बजाते रहो, ताली में पीसा लगे है क्या? मानसी तिवारी गेहूं से तुलादान, राजा तिवारी गेहूं से तुलादान, कर्ण पांडे गेहूं से तुलादान, अंश पांडे गेहूं से, उमेश पांडे के नाती और हरिओम चतुर्वेदी वकील साहब के नाती गेहूं से करेंगे। सागर सिंह लालमणि सिंह के नाती गेहूं से करेंगे और पृथ्वी राज सिंह लालमणि सिंह के नाती गेहूं से तुलादान करेंगे। इन सभी गो भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है जो ये कर रहे नारायण। ये सब जो भी आप यहाँ दान पुण्य करेंगे ये सब प्रताप गौशाला में ही जाएगा सब कुछ। जो जो दान पुण्य आ रहा है वो एक जगह उसको इकट्ठा कर रहे हैं और एक दिन गाड़ी से वो सब प्रताप गौशाला चला जाएगा। गौ माताएं उसका प्रसाद पाएंगी। जैसे गेहूं का दान करेंगे तो गौ माता के लिए क्या बन जाएगी? लापसी बन जाएगी महाराज। जो गौ माता लापसी पा लेती है ना गुड़ मिला करके, गेहूं को दरदरा करके उसमें गुड़ मिला करके जब हम बना देंगे तो वो नारायण गौ माता के लिए लापसी हो जाएगी। मेरा कहने का भाव ये है, गौ माता भगवान की भी भगवान है। गौ माता भगवान को भी पवित्र करने वाली है, गौ माता भगवान को भी पवित्र करने वाली है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम्
पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षाम चक्रुष्य शक्रता द्वादशांगेषु नामभिः। गोमूत्र से स्नान कराया, तब यशोदा मैया को तसल्ली हुई, तब उनको थोड़ा लगा कि हाँ मेरे लाला पवित्र हो गए, क्योंकि राक्षसी ने छू करके उनको अपवित्र कर दिया था। राक्षसी ने छू करके उनको अपवित्र कर दिया था, अब मेरे लाला पवित्र हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब ये कथा सुनाई, राजा परीक्षित ने पूछा महाराज कि ये जो भगवान को मारने के लिए आई थी, इसकी भावना कोई बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी इसकी, ये तो भगवान को जहर पिलाकर के मारने की भावना से आई थी, फिर ऐसा भगवान ने क्या देख लिया इसके भीतर जो इसका उद्धार कर दिया। सुखदेव जी से पूछ रहे परीक्षित जी महाराज, तो सुखदेव जी ने कहा राजन ना तो इसका नाम अच्छा है, पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना, यानी कि ये अविद्या है, ये माया है। बोले नाम भी अच्छा नहीं है। तो सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित जी बोले अच्छा नाम अच्छा नहीं है लेकिन काम तो अच्छा होगा। अरे बोले काम भी अच्छा नहीं है, लोक बालाघिनी, बोले बच्चों को मारती है, काम भी अच्छा नहीं है। तो परीक्षित जी ने कहा अच्छा नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, तो कुल खानदान इसका अच्छा होगा। बोले नहीं, राक्षसी, राक्षसी खानदान से है। अच्छा, तब परीक्षित जी ने कहा अगर नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, कुल खानदान भी अच्छा नहीं है, तो जरूर इसका खाना पीना अच्छा होगा, भगवान ने यही देख लिया होगा। बोले नहीं नहीं, खाना पीना भी अच्छा नहीं है, रुधिराशना, ये बच्चों का खून पीती है। तब परीक्षित जी ने कहा जब नाम भी अच्छा नहीं है, काम भी अच्छा नहीं है, कुल खानदान भी अच्छा नहीं है, और भोजन भी अच्छा नहीं है, और भगवान को मारने के लिए आई है, फिर भगवान ने इसका उद्धार क्यों कर दिया। तब सुखदेव जी ने कहा बोले बस यही हमारे ठाकुर जी की करुणा है कि जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है वो किसी भी भाव से आए पर भगवान उसको स्वीकार कर ही लेते हैं, यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी करुणा है, यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। मैं एक बात कहूं आपसे, देखो सुनो, हम जितने लोग यहां बैठे हैं आज अभी, अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें, आप ध्यान दे के सुनना मेरी बात को, अगर परमात्मा हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें तो हम में से एक का भी उद्धार नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि हम लोग तो अवगुणों की खान है, बहुत अवगुण है हमारे भीतर, बहुत कमियां हैं। अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दें तो हम में से एक का भी उद्धार नहीं होगा। ये तो ठाकुर जी की करुणा है कि वो हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं महाराज, हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। मुझे मानस की चौपाई याद आती है, उत्तरकांड की, भरत जी कह रहे हैं, आह भरत जैसे संत कह रहे हैं, उत्तरकांड की चौपाई है, जन अवगुण प्रभु मान ना काओ, 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 दीन बंधु अति मृदुल सुभाओ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाओ, ओ दीन बंधु अति मृदुल सुभाओ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाओ, जन अवगुण प्रभु मान ना आओ, जन अवगुण
अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखना चालू कर दे तो हम में से एक का भी उद्धार होना मुश्किल है, पर ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। कोई एक बार सच्चे हृदय से ये कहे तो सही कि प्रभु मैं आपका हूं। हमने संसार वालों को तो पचासियों बार कहा होगा कि हम तो ये भी कह देते हैं, सुनो क्यों भाई, शायद आपने भी किसी को कहा होगा, पता नहीं हमें ध्यान नहीं, लेकिन कहा होगा शायद। लोग कह देते बोले तुम तो हमें जान से भी ज्यादा प्रिय हो, कहते नहीं कहते, बोलो भाई, बोले आप तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, कह देते नहीं कह देते भावनाओं में आकर के। अच्छा ये तो सुनो, ये तो अच्छा है मोहित जी, ये प्राण इस बात का बुरा नहीं मानते, अगर प्राण इस बात का बुरा मान जाए कि हमसे तुम्हें प्यारा मिल गया, बोले हम जा रहे हैं उसे रखो फिर। हाँ करुणा निधान, जाने कितनों को तो प्राणों से प्यारा कर लेते हैं, कितनों को जान से ज्यादा मानने लगते हैं, पर लेकिन जहां अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती सारा प्रेम धरा का धरा रह जाता है महाराज। हाँ जहां हमको लगता है कि यहाँ हमारे अब स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है, अब इनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, सो व्यक्ति तुरंत कट लेता है। तो संसार का प्रेम थोड़ी प्रेम है कोई, ये तो केवल एक वासना की पूर्ति है। ध्यान दे के सुनना मेरी बात को, करुणा निधान, अगर भगवान हमारे अवगुणों को देखने प्रारंभ कर दें तो फिर हमारा उद्धार मुश्किल है। भगवान हमारे गुणों को देखते हैं, भगवान हमारे अवगुणों की ओर नहीं देखते, भगवान केवल केवल अपनी करुणा की ओर देखते हैं, अपनी कृपा की ओर देखते हैं, और कहीं नहीं देखते ठाकुर जी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, तासामाविरतम कृष्णे कुवर्तिनाम सुतेक्षणम न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभव। और जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनेंगे, जैसे आप लोगों ने सुनी, सुखदेव जी इसकी फलश्रुति बता रहे कि इसका फल क्या मिलेगा। जो पूतना मोक्ष की कथा को सुनेंगे, गोविंदे लभते रतिम, उनका भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाएगा, भगवान के चरणों में रति हो जाएगी, जो पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करेगा। अगर आप लोग भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हो कि हमारा भी भगवान से प्रेम बढ़े, कई लोग ऐसा समझते हैं, बोले ज्यादा भगवान की भक्ति करने में फायदा नहीं है, बोले क्यों, बोले अगर इधर भक्ति बढ़ती जाएगी तो संसार छूटता चला जाएगा, तो इस संसार क्यों छोड़े भाई, छोड़ना नहीं चाहते महाराज, बोले भगवान की ज्यादा भक्ति करेंगे तो इन सब चीजों से छुटकारा लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में रह करके एक से एक भक्त हुए हैं महाराज, जिन्होंने अपनी गृहस्थी को भी निभाया और जिन्होंने भगवान के प्रेम को भी निभाया महाराज, ऐसा थोड़ी है, गृहस्थी कोई बुरी थोड़ी है, गृहस्थाश्रम तो बहुत अच्छा आश्रम है, गृहस्थाश्रम तो बहुत अच्छा पवित्र आश्रम है, लेकिन बस उसको ठीक से मैनेज करना आ जाए, ठीक से मेंटेन करना आ जाए। तो जो भगवान के उस पूतना मोक्ष की कथा को सुनेंगे, गोविंदे लभते रतिम, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं उनका गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे कंस के द्वारा भेजे हुए एक राक्षस जिसका नाम था शक्तासुर, ये इनविजिबल है, इनविजिबल मीन्स ये अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देता, है तो सही। अच्छा ये कौन है, ये हमारे अवगुण है,
ये हमारे दोष हैं। अच्छा सही सही बताना, हमें अपने दोष दिखाई देते हैं कि दूसरे के दिखाई देते हैं? दूसरे की कमियां बहुत जल्दी दिखाई देती है हमें। अगर कोई पेंटिंग बनाकर के सामने रखी जाए और किसी से ये कहा जाए इसमें उस पर निशान लगाओ जो अच्छी चीज लगी हो, तो अच्छे वाले निशान कम लगेंगे, और किसी से ये कह दो इसमें कमी बताओ तो कमी वाले ज्यादा आ जाएंगे, बोले ये कमी है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, कमी निकालने वाले तो हजारों आ जाएंगे। नारायण, ये मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, कमी बहुत जल्दी दिखती है, अपनी नहीं दिखती, सामने वाले की दिखती है। मैंने बस यही तो, वही तो शक्तासुर है, ये शक्तासुर दिखाई नहीं देता, ये इनविजिबल है, ये अदृश्य है, और ये भगवान को मारना के लिए आया, और भगवान ने वो बैलगाड़ी इसी के ऊपर गिरा दी, क्योंकि भगवान से थोड़ी छिप सकता है ये इनविजिबल। किसके लिए है? बोले इनविजिबल ये और संसार वालों के लिए है, लेकिन भगवान के लिए थोड़ी अदृश्य है। भगवान ने इसको पहचान लिया और बैलगाड़ी इसके ऊपर गिरा दी, और इसकी गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम है तृणाव्रत, ये आंधी और बवंडर के रूप में आया, ये भगवान को उड़ा करके ले जाना चाहता है। ये आंधी और बवंडर के रूप में आया, ये भगवान को उड़ा करके ले जाना चाहता है, लेकिन कन्हैया का नियम है 11 साल तक तो कहीं जाना ही नहीं है। 11-12 वर्ष तक भगवान गोकुल और वृंदावन में ही रहेंगे, मथुरा नहीं जाएंगे। और जब तक भगवान वृंदावन में रहे, भगवान ने सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, कभी बाल नहीं कटवाए, कभी पैर में जूती नहीं पहनी। आज भी हम इतने ऐसे ऐसे भक्तों को जानते हैं, ऐसे ऐसे संतों को जानते हैं, वृंदावन से बाहर रहेंगे तो चप्पल भी पहनेंगे, गाड़ी पर भी चलते हैं, पर हमने ऐसे संत भी देखे हैं वृंदावन की सीमा में जैसे ही आ जाते हैं सो अपनी चप्पल का त्याग कर देते हैं, और कई लोग तो गाड़ी पर भी नहीं चलते, बोले यहाँ तो पैदल ही चलना चाहिए। अपने अपने भक्तों की संतों की भावना है महाराज, वृंदावन में रहते हैं तो जूती नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी ने भी यहां पर नंगे पांव लीला करी है। आज भी ऐसे वृंदावन में बहुत से संत हैं जो वृंदावन में रहते हैं तो चप्पल नहीं पहनते, जूता नहीं पहनते महाराज, चाहे कितनी सर्दी पड़ो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वृंदावन में रहेंगे तो जूती नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनते महाराज, उनकी वृंदावन के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और धाम के प्रति तो श्रद्धा होनी ही चाहिए ना। हम लोग तो जाते हैं वृंदावन के, आप लोग जाते हैं बस इधर बिहारी जी का दर्शन कर लें, इधर 2-4 धक्के उधर खाए, 2-4 धक्के वहां खाए, बाहर निकल के चाट पकौड़ी खाई, बस हो गए दर्शन। तो ये सब दर्शन का तरीका नहीं है। वृंदावन कोई भूमि नहीं है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वृंदावन कोई भूमि नहीं है, वृंदावन तो एक एहसास है, उसको तो फील किया जा सकता है, बाकी अन्यथा वृंदावन की महिमा को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वृंदावन कोई जमीनी टुकड़ा नहीं है, वृंदावन तो एक एहसास है जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। प्रेम की रीत कोई बिरलो ही जाने, कोई बिरला ही जानता है महाराज, प्रीत की रीत कोई बिरलो ही जाने। तो भगवान ने 11-12 साल तक पैर में जूती नहीं पहनी, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, कभी बाल नहीं कटवाए, किसी को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, और भगवान 11-12 साल तक गोकुल वृंदावन में ही रहेंगे। और ये कंस के द्वारा भेजा हुआ हेलीकॉप्टर आया तृणाव्रत, ये भगवान को उड़ा करके ले जाना चाहता है। पहले तो कन्हैया बहुत खुश हुए, बोले मामा जी ने कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है हमारे लिए, थोड़ा घूमे तो सही इसमें। और 2-4 चक्कर जब उसने कटवाए, कभी गोवर्धन और बरसाने ले गया, और जैसे ही मथुरा ले जाने लगा, सोई भगवान ने अपने शरीर के वजन को बढ़ा लिया, वो तृणाव्रत भगवान के वजन को सहन नहीं कर पाया, नीचे से धड़ाम आकर के गिरा, और उसकी भी गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया, शकट भंजन भगवान ने किया। अब आगे
बारी आई भगवान के नामकरण की, भगवान के नामकरण की ओर हम लोग चले। एक दिन की बात है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तब हमारे महाराज जी ने इसका बहुत अच्छा समाधान दिया। हमारे गुरु जी ने कहा कि आप अगर चल करके संत के पास जाएं तो ये आपके पुण्यों का प्रभाव है, पर संत ही चल करके आपके घर पर आ जाएं तो ये भगवान की कृपा का फल है कि भगवान की आप पर कृपा हुई है जो आप पर यहां चल के संत आए हैं। त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोर्नयो निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आप तो हमारे जन्म से ही गुरु हैं और ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, आप तो सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करने वाले हैं। हे गर्गाचार्य जी, आपने आकर के हमको धन्य कर दिया है, धन्य कर दिया है। नंद जी ने कहा आपकी बड़ी कृपा है। इतने में यशोदा जी ने भी आकर के गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया तो यशोदा जी ने एक प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, आज आप आए हैं तो कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, देखो मुझसे नामकरण मत कराओ। क्यों? एक तो मैं वसुदेव जी के यहां से आया हूं, मथुरा से आया हूं। दूसरा, कंस की बुद्धि बड़ी पापमती है और आप वसुदेव जी के मित्र हैं और मैं यदुकुल का पुरोहित हूं। मैं जो पांडित्य करता हूं यदुकुल का करता हूं, अगर आप मुझसे नामकरण कराओगे तो कंस को डाउट हो जाएगा, शक हो जाएगा कंस को, इसलिए डाउट वाला काम क्यों करते हो। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम कंस पापमति सख्यम तब चानक दुदुम्बे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवी तुम अर्हती, इसलिए मुझसे मत कराओ। तब कहा यशोदा जी बोली, आप इतने विद्वान हैं, इससे हमारा और इतना बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। आप तो चोरी छिपे गौशाला में दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो। देखो एक बात आपसे कहें, भगवान की कोई भी लीला बिना गौ माता के संभव ही नहीं है। आप भागवत जी को समझिए, अगर आपके हमारे जीवन में गौ माता नहीं है तो हम कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की कोई भी लीला बिना गौ माता के संपन्न ही नहीं होती। देखो अभी पूतना ने स्पर्श कर दिया था तो भगवान को स्नान किससे कराया गया, अभी अभी बताया था मैंने, किससे स्नान कराया भगवान को, गोबर गोमूत्र से स्नान कराया। और अब देखो भगवान का नामकरण भी हो रहा है तो कहां हो रहा है, गौशाला में हो रहा है। आज मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, आपको अच्छी लगे तो मानना महाराज, आपके गांव के आसपास है जो भी गौशाला हो या जो प्रताप गौशाला जिसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं कार्यक्रम, आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपकी शादी की एनिवर्सरी हो या घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो हमें प्रयास करना चाहिए, गौशाला में जाकर के ही मनाना चाहिए। महाराज अपने बच्चे को लेकर के जाओ, आपके बच्चे का जन्मदिन है उस दिन गौशाला जाइए, एक पेटी गुड़ ले जाओ, सभी गौ माताओं को खिला के आओ, थोड़ा सा हरा चारा बोल दो गौशाला वालों को कि हम कल आएंगे, थोड़ा हरा चारे की व्यवस्था कर लेना भैया, या हमारी तरफ से ये हो जाए। देखिए आपके बच्चे को इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा, गौ माता की कृपा हो जाएगी। आप प्रयास तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। आजकल लोग कहाँ भागते हैं,
बोले बच्चे का जन्मदिन है, बोले होटल में करेंगे। आप होटल में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया रेस्टोरेंट में जाकर के सब रिश्तेदारों को बुला करके खाना पीना करो, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी इच्छा हो करो, पर हमारी इच्छा ये है उस सब के साथ साथ हम गौशाला में जाकर के अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं तो उसको आशीर्वाद मिलेगा महाराज, उसको आशीर्वाद मिलेगा। कोशिश करो, प्रयास करो, गायों की सेवा करो नारायण, गायों की सेवा करो। भगवान ने भी आकर के गौ सेवा करी है, गौ चारण किया है। जिस कृष्ण ने गैया की सेवा करी, गोपाल कहलाए, आज वही गैया बड़ी कष्ट में है, आपकी खेतों को खराब कर रही है, आपकी फसलों को खराब कर रही है। महाराज उनको छोड़ा किसने है? उनको छोड़ा तो हम लोगों नहीं है महाराज, अपराधी हैं हम लोग, हम गौ माता के अपराधी हैं। करुणानिधान, अगर छोड़ना ही है तो कोई व्यवस्थित होकर के कहीं उनको रखा जाएगा, ऐसे सड़क पर मरने के लिए ना छोड़ दे महाराज। अब हाईवे पर कितनी गैया रहती हैं, कुछ भी हो सकता है, गैया के भी चोट लग सकती है और एक्सीडेंट होगा तो सामने वाले को भी लग सकती है महाराज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो निराश्रित गोवंश जाए तो जाए कहां? देखो जब भूख लगती है ना, बोलो क्यों भाई, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वो देखता है कि रोटी कच्ची है कि पक्की है, बोलो कि झूठा है कि सच्चा है, कुछ नहीं देखता। जब भूख लगी हो तो फिर तो बस कैसे भी करके दे दो भाई, कैसे भी करके दे दो। ठीक इसी प्रकार से जब गौ माता भूखी होती है तो बिचारी जाए तो जाए कहां, आपके खेतों में ही चली जाती है खाने के लिए। भूख तो भैया सबसे बड़ा राक्षस है ना, भूख तो सबसे बड़ा राक्षस है, भूख से तो हर वे। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी भूख के लिए तो कर रहे हैं, चार पैसे कमा रहे हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना है, आपके क्षेत्र में गो अभ्यारण्य बनने जा रहा है, मुझे विकास ने बताया, कहां गया विकास, कहीं बैठा है कि नहीं कहीं, विकास चतुर्वेदी ने बताया कि प्रयास करके और अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र के ही बने हैं, उनसे सब व्यवस्था करके और आपके इस क्षेत्र में नदी के पार एक सुंदर गो अभ्यारण्य बनने के लिए जा रहा है और आप सबको सहयोग करना है और आप सबकी गौ माताएं वहीं रहेंगी महाराज। जो निराश्रित गोवंश घूम रहा है सड़क पर, वो कम से कम एक जगह ठिकाने पर तो पहुंच जाए, इससे आपको भी फायदा है और गौ माता को भी फायदा है। क्यों भाई, आपकी फसल खराब नहीं होगी और गौ माता को भी समय से भोजन प्रसाद मिल जाएगा। ये तो प्रकृति का अंग है, गौ माता तो एक प्रकृति का अंग है, प्रकृति का अंग है नारायण। तो देखिए, भगवान की कोई भी लीला बिना गौ माता के संपन्न नहीं होती है। आज गौशाला में चौकी लगा दी गई और दोनों माताएं अपने अपने पुत्र को लेकर के आ गई हैं और आज भगवान का नामकरण होने जा रहा है। यहाँ तो भाव की बात है, जिस नाम से भगवान को पुकारे, किसी ने कुछ पुकारा, किसी ने कुछ पुकारा, पर भगवान ने उनके भाव को देखा, उनके प्रेम को देखा है। हाँ, अरे कोई कहे गोविंद, अरे कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोविंद
आप सब लोग गाइए, इसमें ठाकुर जी के सारे नाम आ गए। हो राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने नटवर, वालों ने पुकारा कह के गोपाला, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, अरे सूर की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, अरे सूर आँखों के तुम हो उजाला, सूर की आँखों के तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया ही कह के बुलाया दुर्योधन, छलिया ही कह के बुलाया दुर्योधन, अरे कंस तो जल करके कहता था काला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव,
संत सभी भजते हैं कह कर कृपाला, संत सभी भजते हैं कह कर कृपाला, संत सभी भजते हैं कह कर कृपाला, संत सभी भजते हैं कह कर कृपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी बाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी बाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय। अब ध्यान दे के सुनिए भाई, दोनों माताएं अपने अपने पुत्र को लेकर के आई हैं और सबसे पहले नामकरण किया बलराम जी महाराज का। ये बल में बहुत अधिक है और सुंदर सुंदर गुण इनमें रमण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम रखता हूं राम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यासते रामिति बलाधिक्याद बलम विदुहु। आप लोग देखिए आपस में बातचीत ना करें और जो जगह है वो तो है ही है, उसी में एडजस्ट कीजिए भाई। कार्यकर्ता सब लोग आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, आप आराम शांति से बैठे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। बोलिए जो रोहिणी जी के पुत्र हैं, सबसे पहले बलराम जी का नामकरण किया, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं और इनका नाम मैं रखता हूं राम, क्योंकि सुंदर सुंदर गुण इनमें रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम है राम। और इनके बराबरी बल की कोई नहीं कर पाएगा। बलाधिक्याद बलम विदुः,
देखो अगर बलशालियों की बात आए तो बलराम जी महाराज दूसरे नंबर पर आते हैं, तो पहले नंबर पर कौन है ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। महाराज बल की बात आएगा, शारीरिक बल की बात कर रहा हूं मैं। अगर शारीरिक बल की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है अनंत बलवंत श्री चिरहोलानाथ भगवान का आता है महाराज, हनुमान जी महाराज बल में सबसे पहले वही है। और दूसरे नंबर पर किसी का नंबर आता है तो बलराम जी का बल में बहुत अधिक है। बलाधिक्यात बलम विदु, बलाधिक्यात बलम विदु, तो ये बल में बहुत अधिक होंगे इसलिए इनका एक नाम मैं रखता हूं बल और एक नाम रखा है राम और दोनों को मिलके बना है बलराम। बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। और हमारा अच्छा बताओ हमारे ब्रज में क्या कहते हैं बलराम जी महाराज को, कोई बता सकता है कोई? बोलो भाई वृंदावन, किसने सही बोला, किसी ने बोला हाँ हमारे वृंदावन में हमारे ब्रज में बलराम कोई नहीं कहता, सब कहते हैं दाऊ दादा कहते हैं। बोल दाऊ दादा की, दाऊ दादा है हमारे वृंदावन में हमारे ब्रज में बलराम कोई नहीं कहता, सब दाऊ दयाल कहते हैं, दाऊ दादा कहते हैं, दाऊ कहते हैं, दाऊ जी महाराज, दाऊ जी महाराज। तो ब्रज में तो दाऊ कहा जाता है, दाऊ जी महाराज है कन्हैया के बड़े भैया। अब बारी आई ठाकुर जी के नामकरण करने की, सुनिए ध्यान से। अब बारी आई ठाकुर जी का नामकरण करना, भगवान को क्या नाम दे भाई, भगवान को तो नाम की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो भक्ति भाव के भूखे हैं, नाम के भूखे थोड़े हैं। नाम का भूखा तो इंसान होता है महाराज, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। जब भगवान का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने तो एक ही बात कही, माताओं बहनों भाइयों ध्यान दे के सुनना, एक ही बात कही, आसन वर्णास्त्रयो हास्यम ग्रहतो यू युगम नतनुः। जब ये सतयुग में आए थे तो इनका वर्ण था श्वेत, जब ये त्रेता में आए तो इनका वर्ण था पीत, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः, कृष्णताम गतः। बोले जब ये सतयुग में आए थे तो इनका वर्ण था श्वेत, जब ये त्रेता में राम बनकर के आए तो इनका वर्ण था पीत, और अब ये द्वापर में आए हैं तो इनका वर्ण है कृष्ण, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण माने क्या होता है, कृष्ण का अर्थ है जो अपनी ओर आकर्षित कर ले। कृष्ण माने आनंद, कृष्ण माने सुख, कृष्ण माने विश्राम, कृष्ण माने आनंद है। जैसे राम माने सुख, राम माने विश्राम, राम माने आनंद। अच्छा एक बात आप हमको ये बताओ, माताओं बहनों आप बताओ, आपका बच्चा आपके पास आया है ना, आपका बच्चा आपके पास आया और आकर के बोला मम्मी मम्मी माँ आज तो कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो बोल बेटा क्या बनाऊं, माँ वो बनाओ जो सूजी का बना हुआ होता है, जिसमें घी पड़ता है, जिसमें चीनी पड़ती है, जिसमें मेवा पड़ता है, तो आप अपने बच्चे से क्या कहोगी, बोलो ना तुमसे ही तो पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हैं, हलवा। आप अपने बच्चे से ये कहोगी अरे बेटा इतनी लंबी चौड़ी कथा क्यों सुना रहा है, सीधा सीधा क्या क्या खाना है, हलवा खाना है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आपसे अब ये, अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, अभी तो माताओं से पूछा था, अब हम सबसे पूछ रहे हैं, आप लोगों को अपने जीवन में आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो भाई सबको चाहिए, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए,
विश्राम चाहिए, सबको चाहिए, तो इतनी लंबी चौड़ी कथा क्यों पढ़ रहे हो? सीधी सीधी बात कहो कि तुम्हें राम चाहिए और कृष्ण चाहिए, क्योंकि कृष्ण माने ही आनंद है, राम माने ही आराम है। अगर आनंदित होना चाहते हो, मैंने शुरू में ही आपको कहा था, थिरकते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, बोलते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, चलते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, सोते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, खाते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, नाचते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, कृष्ण माने आनंद है। इतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। तो कृष्ण माने, कृष्ण माने जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं हमारा, हमारे वृंदावन में आकर के देखो, ठाकुर जी ने कईयों पर ऐसा जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया कि लौट करके घर नहीं गए महाराज। ये बहुत बड़ा चोर है, ये बहुत जल्दी चित्त को चुरा लेता है। कन्हैया तो एक नंबर का चोर है जी। जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसका नाम है कृष्ण। और दूसरा अर्थ बताऊं, कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला। आप हमारे वृंदावन में आके देखो, आप में से वृंदावन कौन कौन गया अच्छा बताओ भाई जरा, जो वृंदावन गए हैं। हे भगवान, ये तो आटे में नमक का हिसाब नहीं बैठ रहा, बहुत कम लोग वृंदावन गए हैं। अच्छा, जो जो वृंदावन गए हैं तो वही बता पाएंगे, बांके बिहारी का स्वरूप कैसा है? काला। राधा वल्लभ जी कैसे हैं? काले। राधा रमण जी कैसे हैं? काले एकदम। राधा श्याम सुंदर कैसे हैं? काले। ब्रज का ठाकुर तो काला है, तो कृष्ण माने काला। और काला अपने आप में कोई रंग नहीं होता, एक बात और आपको बता दूं मैं, ब्लैक कलर कोई कलर नहीं है। तो फिर कहोगे क्या है ब्लैक कलर? हमारे महाराज जी कहते थे, बोले काला रंग बनाना हो तो सारे रंगों को मिला दूं, तो क्या बनेगा? सब हौच पौच होके काला ही बन जाएगा। हाँ, जैसे कलर का भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लाल और पीला रंग मिला देंगे तो हल्का ऑरेंज हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, एक कलर कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे पेंट वाले की दुकान पर जाओ, वो आपको पूरी कैटलॉग दिखा देगा, बोले कौन सा लेना है बताओ, कौन सा कलर बना दे आपको, ये वाला बना दो, वो इस कंप्यूटर में वही नंबर डालेगा, वो उधर से बूंद गिरेगी, इधर से वो वैसा कलर बन जाएगा। ये कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, एक कलर में कंट्रास्ट भी होता है। कई लोग कंट्रास्ट देखते हैं, बोले कंट्रास्ट कैसा आ रहा है इसका। लेकिन काला रंग अपने आप में कोई रंग नहीं होता, काला माने जिसके अंदर सारे रंग हैं वही काला है। और कृष्ण जो है ना, जिसके अंदर सारे रंग समाहित हैं वही कृष्ण है। कृष्ण के जैसा कोई नटखट नहीं और कृष्ण के जैसा कोई गंभीर नहीं आ रहा है। बोलो, हम लोग कहते हैं कृष्ण बड़े नटखट है, बड़े कन्हैया बड़ा नटखट है, पर कन्हैया के जैसा अगर कोई नटखट नहीं है, आज भी अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो माँ उसे क्या कहती है? बोलो, माँ उसे क्या कहती है? बोले महाराज क्या बताऊं, ये तो बिल्कुल एकदम कन्हैया हो रहा है। नटखट कोई बालक हो तो उसे कन्हैया की, कन्हैया से जोड़ दिया जाता है। अगर कन्हैया के जैसा कोई नटखट नहीं है तो कन्हैया के जैसा कोई गंभीर नहीं है, कन्हैया के जैसा कोई गंभीर नहीं है। कृष्ण के जैसा कोई रागी नहीं तो कृष्ण के जैसा कोई वैरागी नहीं है। कृष्ण की कितनी पत्नी? 16,108। अगर कोई दो चार पत्नी रख ले तो लोग कहते हैं बोले भोगी है, लेकिन इतनी पत्नी होने पर भी कृष्ण भोगी नहीं है, कृष्ण योगियों के योगी हैं। महाराज कृष्ण के जैसा विरागी नहीं, कृष्ण के जैसा रागी नहीं, कृष्ण के जैसा कोई राजा नहीं और कृष्ण के जैसा कोई सेवक नहीं। महाराज बोलो,
अर्जुन का रथ चला रहे हैं द्वारकाधीश होकर के, जिन भगवान द्वारकाधीश के पीछे आगे पीछे हजारों लोग घूमते हैं, हजारों लोग जी हजूर करते हैं, भगवान कोई साधारण है, द्वारकाधीश है। द्वारका पूरी सोने की नगरी है, इतने बड़े राज्य के राजा हैं भगवान द्वारकाधीश कृष्णचंद्र। और वही ठाकुर जी जब भक्ति निभाने पर आए, प्रेम निभाने पर आए, तो क्या बन गए? सारथी बन गए महाराज, अपनी भगवत्ता को भूल गए। ठाकुर जी अपनी भगवत्ता को भूल गए, अपनी सत्ता को भूल गए कि मैं कहीं का राजा हूं। बोले मैं राजा बाद में हूं, मैं पहले पांडवों का सेवक हूं पहले। आप विचार करो नारायण, कृष्ण के जैसा कोई राजा नहीं तो कृष्ण के जैसा कोई सेवक नहीं, कृष्ण के जैसा कोई पुत्र नहीं तो कृष्ण के जैसा कोई पति नहीं। जिसके अंदर सारे गुण हैं वो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण माने काला है, और काला माने जिसके अंदर सारे रंग हैं। बोलो, अगर जिताने पर आ गए पांडवों को, पांडवों को जिताने पर आ गए तो जिता करके ही दम लिया महाराज। चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जिता दिया महाराज। तो कृष्ण माने काला, काला माने जिसके अंदर सारे रंग हैं। तो भैया अगर अपने जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो कृष्ण का नाम लो, राम नाम का आश्रय लो, तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। नहीं तो परेशान तो हम लोग हो ही रहे हैं महाराज, परेशानियों में तो कोई कमी है ही नहीं। बोलो कोई कमी है क्या? तो भाई डॉक्टर साहब, कोई कमी है परेशानियों में? परेशानियां तो लफड़ा तो घना ही है, लफड़े तो बहुत है दुनिया में। एक बार क्या हुआ सुनो, ए सब लोग ध्यान दे के सुनना। ऐसा हम लोग मानते हैं कि जंगल का राजा जो है शेर होता है, शेर को मारना जाता है। और आपके तो रीवा में तो वो भी है, क्या कहते हैं, टाइगर सफारी भी है, माना चीते बहुत है, वाइट टाइगर है यहाँ पर। तो शेर को हम लोग मानते हैं, राजा मानते हैं। लेकिन सभी जानवरों ने मिलकर के एक मीटिंग करी। क्या मीटिंग करी मोहित जी? एक मीटिंग करी सब जानवरों ने मिलके। बोले ऐसे कैसे शेर को राजा बना दे? बोले डेमोक्रेसी है, बोले यहाँ भी चुनाव होने चाहिए। बोले लोकतंत्र का मजाक बना के रखा हुआ है। तो सभी जानवरों ने मीटिंग करी, बोले अब जंगल में भी चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे। तो भाई अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि शेर के खिलाफ पर्चा कौन भरे? बात तो पर्चा भरने की है, कोई भी नॉमिनेशन नहीं आया शेर के खिलाफ। तो सब जानवरों ने फिर मीटिंग करी और एक बंदर को हवा भरी। किसको हवा भरी? एक बंदर को हवा भरी। बोले हम तुम्हारे साथ हैं, एक तरफा वोटिंग करेंगे, तुम जो है पर्चा भरो। और वही हुआ, एक तरफा वोटिंग हो गई, और सारे वोट किसको मिल गए? बंदर को मिल गए। और जंगल का राजा किसको बना दिया गया? सारे विधायकों ने किसको समर्थन दे दिया? सब विधायकों ने अपना नेता चुन लिया, बंदर को। अब जंगल का राजा बन गया, बंदर शेर नहीं है। अब बाकी के जितने भी जानवर हैं वो सब अपनी समस्या लेकर के आते हैं बंदर के पास। अब बंदर तो बंदर, सुनो, बंदर तो बंदर है भाई। जैसे ही कोई समस्या लेकर के आता तो बंदर क्या करता? पूरे जंगल का चक्कर काटता, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी इस पर, कभी ऐसे 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 घूमता। तो जानवरों ने कहा कि हमने तुमको वोट दिया, राजा बनाया तुम, लेकिन हमारी समस्या तो सुनते नहीं हो, हमने तुम्हें वोट क्यों दिया? तो बंदर ने इतना बढ़िया जवाब दिया। बंदर बोला कि ऐसा है भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान हो चाहे ना हो, पर हमारी भागदौड़ में कमी हो तो बताओ। बस स्थिति यही है महाराज, लोगों की भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, और फिर भी कोई समाधान जीवन में नहीं है महाराज। कोई भागदौड़ में कमी नहीं है, सुबह से लेके शाम तक यहां भाग, ए कर वो कर, पर लेकिन शाम को घर आके स्थिति वहीं की वहीं महाराज। भागदौड़ में कोई कमी नहीं है, क्यों? हम भागदौड़ तो खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, क्यों? क्योंकि उस भागदौड़ की जिंदगी में हमने अपने राम को भुला दिया, हमने अपने ठाकुर जी को भुला दिया। तो शांति मिले तो मिले कैसे? उस भागदौड़ में यही भूल गए।
इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी से, इतनी भागदौड़ मत करो कि महाराज जीवन का रस ही खत्म हो जाए। जीना सीखो, भागदौड़ करना मत सीखो, जीवन को जीना सीखो। आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए नारायण, जीने की कला आनी चाहिए नारायण। करुणा निधान तो कृष्ण माने आनंद है, कृष्ण माने सुख है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। इसके बाद ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हुए और भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। एक दिन भगवान अपने आंगन में खेल रहे थे तो पांडे जी आए। पांडे जी ये यशोदा जी के गांव से आए थे, जिस गांव की यशोदा जी है ना, उस गांव से पांडे जी आए। तो यशोदा मैया ने बहुत स्वागत सत्कार किया, बोले मेरे गांव के पंडित जी आए हैं भाई, मेरे गांव के पंडित जी हैं। तो बहुत स्वागत सत्कार किया। पंडित जी क्या प्रसाद पाएंगे? बोले हम तो खीर पाएंगे और अपने हाथ से बना के पाएंगे, और चावल की खीर नहीं खाएंगे। कौन सी खीर खाएंगे? मखाने की खीर खाएंगे, मेवे की खीर खाएंगे। ठीक है, सारा सामान दे दिया। बोले पंडित जी, बोले हम खुद बनाते हैं, स्वयं पाकी है, अब बना लीजिए। पंडित जी चूल्हा चक्का सब दे दिया, सामान दे दिया, दूध दे दिया, बोले बना लीजिए। 2 घंटे लग करके बढ़िया खीर बनाई पंडित जी ने, और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे, गमछा अपने सिर पे डाल लिया, हे नारायण आइए खीर का भोग लगाइए, तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अभी मंत्र बोल ही रहे थे कि कन्हैया ने बाहर सोचा कि हमें कौन बुला रहा है खीर खाने के लिए, चलो भाई चलो, आज तो खीर खाने को मिले। ये तो भोग लगा रहे थे और कन्हैया ने आकर के खीर झूठी कर दी। मैं अरे राम 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 राम, अरे यशोदा तेरे लाला ने सब खीर झूठी कर दी, मैं तो भगवान को भोग लगा रहा था, अब कैसे भोग लगे, मैं कैसे पाऊंगा। अरे पंडित जी नाराज ना हो, बच्चा है, कोई बात नहीं, आप और सामान ले लो, दोबारा बना लो। पंडित जी ने कहा आज तो लग गया भोग भाई, अब फिर बनाओ, फिर 2-2.5 घंटे लगेंगे बनाने में। और जैसे ही खीर बनी तो यशोदा मैया ने पहले ही लाला को मना कर दिया था कि अब उस कमरे में नहीं जाना, लेकिन पंडित जी का तो नियम था कि बिना भोग लगाए पाएंगे ही नहीं। हे नारायण आइए खीर का भोग लगाइए, हे नारायण आइए। ठाकुर जी ने अपने मन में सोचा पंडित जी बहुत चालाक है, पहले तो बुलाते फिर कहते झूठी कर दी, पहले तो बुला रहे कि आइए खीर का भोग लगाइए, और जब मैं चला जाता हूं तो फिर नाराज होते हैं। लेकिन कोई इतने प्रेम से बुला रहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। भगवान फिर निगाह बचा करके घुटनों के बल वहीं पहुंच गए, खीर का भोग लगा दिया। अरे यशोदा लगता है तेरा लाला मुझे आज पाने नहीं देगा। ठाकुर जी तोतली भाषा में बोले मैया मैं ही तो नारायण हूं, ये मुझे ही तो बुलाते हैं, मैं ही नारायण हूं। जब पंडित जी ने ये सुना, जब ठाकुर जी की पहचान कर ली, तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा था वो तो साक्षात नारायण है, ब्रह्म है। ऐसी एक नहीं, ऐसी ठाकुर जी की कई लीलाएं हैं महाराज, कई लीलाएं। कालेन ब्रजताल पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणो विजर हरतु। नित नहीं ठाकुर जी कोई ना कोई लीला करते हैं, क्योंकि घुटनों के बल चलना चालू कर दिया भगवान ने, भगवान ने घुटनों के बल चलना चालू कर दिया। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणो विजर ऋतु। भगवान ने घुटनों के बल चलना चालू कर दिया। कभी गौशाला में चले जाते हैं, कभी कांटेदार झाड़ियों में चले जाते हैं, कभी जलते हुए चूल्हे की ओर चले जाते हैं, तो मैया बार बार पकड़ पकड़ करके लाती है। और अब ठाकुर जी ने अपनी सबसे मुख्य लीला को प्रारंभ किया। कौन सी लीला? बोले ठाकुर जी ने लीला प्रारंभ करी माखन चोरी की लीला। अब ध्यान दे के सुनना, एक बात पूछे आपसे, अच्छा सही सही बताना। जिसके घर पर 4-5 गैया मैया हो या 8-10 गैया हो,
उसके घर में कभी दूध दही घी माखन की कमी होगी क्या? बोलो, अरे कुछ तो बोला करो तुम भी, होगी क्या? जिसके घर पे दो चार गैया हो, चार पांच गैया हो, आठ दस गैया मैया हो, उसके घर पे कभी दूध दही माखन खूब भरपूर रहेगा, क्योंकि सब थोड़ी छूट जाएंगी। अगर दो नहीं लगेंगी तो आठ लगेंगी, तीन नहीं लगेंगी तो सात लगेंगी, कुछ तो लगेंगी, दूध तो देंगी, और घी तो पहले से बना के रख लिया जाता है, घी की तो कमी नहीं रहती। अब आप लोग विचार करें, अगर किसी के घर पर आठ दस गौ माताएं हो तो उसके यहाँ दूध दही घी माखन की कोई कमी नहीं है, और नंद बाबा के यहाँ पर तो 9 लाख गैया थी। कितनी? 9 लाख गैया थी। तो जिसके घर पे 9 लाख गैया हो उसके यहाँ कोई कमी है क्या? बोलो, कोई कमी नहीं है। पर लेकिन ठाकुर जी की लीला देखो, खुद के घर पर 9 लाख गैया है लेकिन पड़ोसी के यहाँ माखन चोरी करके खाते हैं महाराज। बोलो, तो इसका क्या मतलब है? जिसके खुद के घर पे दूध दही माखन की कमी नहीं है और उनका लड़का गांव में जाकर के माखन की चोरी करता है, तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये माखन की चोरी नहीं है, ये भक्तों के भाव की चोरी है, प्रेम की चोरी है महाराज। ये तो माखन तो ठाकुर जी के यहाँ बहुत है महाराज, माखन तो ठाकुर जी के यहाँ बहुत है, माखन तो बहुत है महाराज। कहने का भाव मेरा ये है, ये माखन की चोरी नहीं है, ये चित्त की चोरी है। क्योंकि गोपियों का भाव जो है ना कि भगवान हमारे यहाँ पर आवे, माखन की चोरी करें, बस उस भाव की ठाकुर जी पूर्ति कर रहे हैं। और भगवान ने एक समिति बना ली, समिति कमेटी बनाई है कन्हैया ने, 2.5 साल का कन्हैया है अभी, कितना? ओनली 2.5 ईयर्स ओल्ड, 2.5 ईयर ओल्ड है ठाकुर जी, केवल 2.5 वर्ष का कन्हैया है। और सुनिए, 2.5 साल का कन्हैया है और एक समिति बना ली, समिति का नाम रखा है चौर्य विद्या प्रसारण समिति, या चोरी करना सिखाया जाता है। और इस टीम में बहुत से खाली बच्चे बच्चे नहीं है, 25-25 साल के ऊंट भी हैं इसमें, सब लोग हैं इसमें। और भगवान ने समिति का निर्माण किया और घर घर में माखन की चोरी होने लगी। ब्रज घर घर प्रगटी ये बात, ब्रज घर घर प्रगटी ये बात, ब्रज घर घर प्रगटी ये बात, ब्रज घर घर दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ओ दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संखात। भगवान ने माखन की चोरी क्यों करी जब खुद के घर पे 9 लाख गैया है? तो इसका भी उत्तर सूरदास जी ने अपने कवित्व में दिया है, अपने पद में दिया है। क्या बोले? ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन आप भये ब्रज खोरी, बोले ब्रज की खरी खोटी सुन ली, गोपियां खरी खोटी सुनाती थी, यशोदा जी को भी 4 बातें सुना जाती थी, नंद बाबा को भी लोग सुना जाते थे 4 बातें,
पर सबकी खरी खोटी सुन ली, लेकिन भगवान ने माखन की चोरी करना बंद नहीं किया, क्योंकि ग्वालिन की इच्छा होती थी कि भगवान हमारे यहाँ पर आवे। ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भये ब्रज खोरी। ब्रज की खरी खोटी सुन ली, लेकिन भगवान ने माखन की चोरी करी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये माखन की चोरी नहीं है, ये चित्त की चोरी है, ये प्रेम को चुरा लिया भगवान। ये माखन की चोरी नहीं है, और भगवान केवल माखन ही नहीं चुराते हैं, उनके चित्त को भी चुराते हैं। और भगवान सबको माखन खिलाते हैं, बंदरों को भी माखन खिलाया जाता है। क्यों भाई, बंदरों को माखन क्यों खिलाते हैं? मेरे भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन बंदरों ने रामावतार में हमारी बड़ी सेवा की है भाई। क्यों भाई? बोले इन बंदरों ने रामावतार में हमारी बड़ी सेवा करी है, और हम तो खुद जंगल में थे तो इन बेचारों को क्या खिलाते। क्यों भाई, जंगल में तो क्या खाने को मिलेगा? कंद मूल फल यही सब खाओ जंगल में, तो जंगल में थोड़ी दूध दही माखन रखा है। लेकिन भगवान ने कहा आज मैं ब्रज में आया हूं तो इन बंदरों की रोज पार्टी होगी महाराज, इनको रोज बढ़िया बढ़िया माल खिलाएंगे, उस समय नहीं खिला पाए तो अब खिलाएंगे। इसलिए गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं, गोपियां शिकायत लेके आती हैं, वत्सान मुंचन कचुद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वाद्यथ तप दधिपय कल्पिते स्तेय योगे मरकान भोक्षयन विभजति सचिन्नाति भाण्डम भिनन्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्यो क्रोशेतो कान। गोपियों की सबसे पहली शिकायत क्या है सुनो भाई, गोपियों की सबसे पहली शिकायत ये है कि वत्सान मुंचन कचिद समय, बोले ये बछड़ों को समय से पहले खोल देता है। क्यों भाई, कोई आपके बछड़ों को समय से पहले खोल दे तो क्या होगा बोलो? अच्छा, अरे बोलो, अगर गाय दोहने के समय से पहले कोई चोरी से आकर के बछड़े की रस्सी खोल जाए और आपको पता ना लगे तो क्या होगा? बछड़ा सारा दूध वो तो पी जाएगा। तो वही तो गोपियां शिकायत कर रही हैं, बोले ये हमारे बछड़ों को समय से पहले खोल देता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि गैया मैया बछड़े को ही सारा दूध पिला देती है, और हम जब दुहने के लिए जाती हैं तो लात दिखाती है ही नहीं दूध। वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये गोपियों की सबसे पहली शिकायत है। पर एक सच्ची बात कहें आपसे, ध्यान दे के सुनना, ये बछड़ा कौन है, ये रस्सी क्या है, और ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं, बछड़ों को समय से पहले क्यों खोल देते हैं? ये बछड़ा कोई और नहीं, हम सब ही बछड़ा है। मेरी बात को ध्यान दे के सुनना, बछड़ा कोई और नहीं, ये जीव ही बछड़ा है। और रस्सी क्या है? बोले 84 लाख योनियों की रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन भगवान इस पर कृपा कर देते हैं, इसकी रस्सी को खोल देते हैं, यानी के इसे 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त करके भगवान इस जीव को मनुष्य बना देते हैं, मनुष्य बनाते हैं महाराज। और इस बात का प्रमाण क्या है? इस बात का प्रमाण मानस की चौपाई है। कबहु कृपा कर नर तन दे, कबहु कृपा कर नर तन दे, देत ईश बिन हेतु सनेही, देत ईश बिन हेतु सनेही, कबहु कृपा कर नर तन दे, कबहु कृपा कर नर तन दे, देत ईश बिन हेतु सनेही, देत
कल्याण धाम। बोले बछड़ों को समय से पहले खोल देता है और खुद माखन खाता है चोरी करके, सब पूरे टीम को खिलाता है, सब गोप ग्वालों को खिलाता है। ये सुनकर के यशोदा जी बोली, ये तो बहुत बढ़िया करता है, बांट के खाना, बैकुंठ को जाना। अकेले अकेले खाने में क्या मजा है? क्यों भाई, अकेले अकेले खाने में मजा नहीं है, बांट करके खाने में मजा है। बांट के खाना और बैकुंठ को जाना, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कहते आए हैं, बांट के खाना बैकुंठ को जाना। बोले मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा करता है, बांट करके खाता है। तो गोपियां कहती हैं, चलो खाए, बांट करके खाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरकान भोक्षयन, ये तो बंदरों को भी खिलाता है। ठाकुर जी ने कहा, क्या क्या बताएं, ये हमारे सब मित्र हैं, अगर हम खाएंगे इन मित्रों को नहीं खिलाएंगे तो कितना खराब लगेगा। हाँ बोले बात तो सही है, लेकिन गोपियों ने, एक गोपी ने शिकायत करी, बोले माखन चोरी करके खाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, माखन चोरी करके खाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, गोप ग्वालों को माखन खिलाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बंदरों को माखन खिलाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी मटकी तो छोड़ दे। ये तो भांडम विनंती। हमारे महाराज जी कहते थे, बोले जब से ठाकुर जी ने वृंदावन में गोकुल में माखन की चोरी करना चालू किया, तब से कुम्हारों का बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा। कुम्हारों का बिजनेस इतना बढ़िया राइज हो गया, एकदम राइज हो गया महाराज, एकदम उठ गया, एकदम उछाल आ गया बिजनेस में। क्यों? क्योंकि रोज कन्हैया मटकी फोड़ने लगे, तो जितनी मटकी फूट रही है उतनी ही मार्केट में बिक रही है, तो डिमांड सप्लाई का नियम है। करुणा निधान। तो गोपियां शिकायत करती हैं, एक गोपी ने तो क्या व्यवस्था करी, सुनो भाई सुनो, ध्यान दे के सुनो। एक गोपी ने सोचा कि मैं अपने घर पे माखन की चोरी होने नहीं दूंगी, तो क्या करोगी? उसने माखन को ऊंचे छींके पे टांग दिया। छींका समझती हो कि नहीं? क्यों भाई, रस्सी से बांध देते हैं ना, छींके पे रख दिया। और बोले उस माखन के मटके में एक क्या बांध दी, घंटी बांध दी। घंटी घंटी क्यों बांधी? बोले मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो रंगे हाथों पकड़ लूंगी, चोरी नहीं करने दूंगी माखन की। और भगवान जब माखन की चोरी करने के लिए गए और माखन के मटके के गले में जब घंटी देखी, तो ठाकुर जी बोले, बोले वाह, बोले हमारे गांव की गोपियां तो बड़ी इंटेलिजेंट है गई हैं भाई, बड़ी समझदार है गई हैं, गले में घंटी बांध दी। तो भगवान ने घंटी से कहा, देख घंटी, तू तो जानती है मैं कौन हूं, मैं माखन का मटका उतारूंगा मत बजना, मैं गोप ग्वालों को माखन खिलाऊंगा मत बजना, बंदरों को माखन खिलाऊंगा तू बजना नहीं। और घंटी ने भी कह दिया, ठीक है प्यारे नहीं बजूंगी, मौनम स्वीकृति लक्षणम, हो गया। भगवान ने माखन की मटकी उतारी, घंटी नहीं बजी, बंदरों को माखन खिलाया घंटी नहीं बजी, बंदरों को गोप ग्वालों को माखन खिलाया घंटी नहीं बजी। अब थोड़ा सा माखन रह गया तो भगवान ने सोची, ला थोड़ा सा हम भी तो भोग लगाएं। और जैसे ही कन्हैया ने भोग लगाया, सोई घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा, क्यों री घंटी तू मना करने के बाद भी बजी? घंटी कहती है, प्यारे बात ऐसी है, तुमने गोप ग्वालों को माखन खिलाया मैं नहीं बजी, बंदरों को माखन खिलाया मैं नहीं बजी, तुमने माखन की मटकी उतारी में नहीं बजी। तो ठाकुर जी ने कहा, मुझसे क्या दुश्मनी है, तो मैंने खाया तो क्यों बजी? घंटी कहती है, मैंने सोचा कि अब तो साक्षात गोविंद भोग लगा रहे हैं, अगर अब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर घंटी बजेगी कब? अगर अब तो साक्षात गोविंद भोग लगा रहे हैं, अगर अब भी घंटी नहीं बजेगी तो घंटी कब बजेगी? महाराज मेरा तो बजना ही बंद हो जाएगा, अगर आपके भोग लगने पर भी नहीं बजूंगी तो मैं बजूंगी कब? मेरा तो बजना ही बंद हो जाएगा। करुणा निधान। इस प्रकार से भगवान घर घर में माखन की चोरी करने लगे। और आगे भगवान ने एक दिन माटी का डेला उठा करके मुख में रख लिया और बलराम दादा ने माटी खाते हुए देख लिया,
एकदा क्रीडमानास्ते रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे नय वेदयन। भगवान ने माटी का डेला मुंह में उठा के रख लिया। बलराम दादा ने जाकर के दाऊ दादा ने शिकायत करी। मैया ने जोर से लाला का हाथ पकड़ लिया, बोले लाला तूने माटी खाई? बोले ना हम भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विसंशिनः यदि सत्य ग्रहिस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यदि सत्य ग्रहिस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। यदि तू सत्य जानना चाहती है तो मेरे मुंह के अंदर झांक करके देख ले। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने अपने मुख में ही करवा दिया है। आप कभी हमारे गोकुल आएंगे ना, वृंदावन आएंगे, कभी समय लेके आइए। मुझे ऐसे एक दो दिन में नहीं होगा, फुर्सत में आइए। चार पांच दिन, कम से कम छह दिन का समय हो तो पूरे ब्रज घूमने का सौभाग्य मिले हमारे। अभी तो क्या होता है, बस वृंदावन पहुंचे, दो चार धक्के वहां खाए, दो चार धक्के वहां खाए, चलो 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 भैया। नहीं, कम से कम चार पांच दिन का समय हो तब देखो क्या ब्रज का आनंद है हमारा। आहा, जहां पर ये लीला हो रही है, गोकुल के पास में एक जगह है ब्रह्मांड घाट, आज भी है, यमुना जी का किनारा है। और जहां पर ये लीला हो रही है उस जगह का नाम है ब्रह्मांड घाट। और ब्रह्मांड घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर भगवान ने अपने मुख में मैया को क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया महाराज, इसलिए उस जगह का नाम है ब्रह्मांड घाट। भगवान ने अपने मुख में करुणा निधान पूरे अलाएं बलाएं दिखा दी। मैया तो घबरा गई। जब मैया घबरा गई तो मैया को घबराया हुआ देख करके भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि जो कुछ देखा था मैया सब भूल गई महाराज। इत्थम विदित तत्वयाम गोपिकायाम सा ईश्वरः वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयम विभुः। भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया महाराज, और जो जो मैया ने देखा था वो सब भूल गई, कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्द गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। बहुत ध्यान दे के सुनना। एक दिन कार्तिक की अमावस्या आई। और क्यों भाई माता जी, कार्तिक की अमावस्या को क्या होता है बताओ? हाँ, कार्तिक की अमावस्या को क्या, कौन सा त्योहार मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं महाराज। जो कार्तिक की अमावस्या आई तो दिवाली का दिन है, तो दिवाली वाले दिन तो घर में बहुत काम होते हैं, घर की साफ सफाई करनी, ये करना वो करना, सब लोग अपने अपने घर में सब करते हैं काम, अपने घर को सजाते हैं। तो यशोदा मैया भी घर के दास दासियों को दूसरे काम में लगा दिया, तुम झाड़ू कर लो, तुम पोछा कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर दो, तुम गाय को सानी कर दो, तुम गाय को ये कर दो, सबको नौकर चाकरों को घर के दूसरे कामों में लगा दिया। और स्वयं क्या करने लगी? स्वयं क्या करने लगी? देखो, घर में कितने भी काम काज करने वाले रख लो, पर एक बात कहूं आपसे, यहां तो ऐसा नहीं है,
पर लेकिन आजकल शहरों में देखने को मिलता है, जो बड़े बड़े सिटी है ना, उनमें क्या ट्रेंड चल गया है? क्यों भाई, आजकल ये ट्रेंड चल गया है, बोले महीने के 30 दिन में से घर में 15 दिन भोजन नहीं बनता। बोले क्या? बोले जोमेटो से मंगा लो, स्विगी से मंगा लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। महाराज आजकल ऑनलाइन ऑर्डर की सुविधा है ना, आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हमारा सब के नंबर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो ये घर से बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, आधे घंटे में पौन घंटे में लेकर के आ जाता है, घर बैठे भोजन मिल गया, बनाना नहीं पड़ा। पर मेरी सभी से प्रार्थना है, घर में कितने भी नौकर चाकर लगा लो, भले ही बर्तन वाले आती हो, कपड़े धोने वाली आती हो, झाड़ू पोछा करने वाली आती हो, वो सब लगाओ, पर कम से कम भोजन तो अपने हाथ से ही बनाओ। कम से कम महाराज भोजन अपने हाथ से बनाओ, बढ़िया चकाचक एकदम। और हम तो इस समय भटलों में खूब देसी भोजन कर रहे हैं, खूब चकाचक महाराज। ये हमारी घर की जो माता है ना, ये चतुर्वेदी परिवार की, अरे ये बहुत सब अन्नपूर्णा है, एक से एक बढ़के सब, एक से एक बढ़के अन्नपूर्णा है। तो बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद, बहुत सुंदर सात्विक भोजन जिसको कहते हैं ना, सात्विक भोजन हम लोग करते हैं। हम तो बहुत राजी है महाराज, बहुत सादा भोजन और अच्छा भोजन महाराज, बहुत सुंदर और नई नई चीजें। हमने कहा वही बनाओ, मैं कहा वहां सब नहीं मिलता, वहां पर सब। तो ये माताएं बहने बहुत अन्नपूर्णा हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद बनाती हैं सब लोग। तो कम से कम भोजन तो अपने हाथ से बनाओ। और एक बात और कहूं, अगर परोसने की बात आ जाए तो कम से कम अपने बच्चों को, अपने पति को तो अपने हाथ से ही परोस करके खिलाना चाहिए महाराज, नौकर चाकर नहीं। बड़े बड़े घरों में हम देखते हैं, अब आप लोग तो गांव में रहते हैं तो आप लोग इतना बाहर नहीं जाते, लेकिन हमको तो सब तरह के लोग टकराते हैं। आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अरे किसका बच्चा रो रहा है, उठा के भैया बाहर ले जाओ, ये तो कथा कहना मुश्किल कर देगा, ले जाओ बाहर ले जाओ इसको, चुप कराओ चुप। अच्छा अपना ही बच्चा है, घर का ही बच्चा है, अरे हाँ ठीक ठीक, ए श्रवण ले जाओ उसको बाहर। करुणा निधान, हाँ चुप करा लो, प्रेम से बिठाओ अपने पास। हाँ अरे ये खो गया था माताओं बहनों में, अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है बहुत देर से, ठीक है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो मैं ये कह रहा था कम से कम परोसना तो अपने हाथ से ही करना चाहिए, खो अपने हाथ से परोसो। अच्छा आप एक विचार करो, क्यों भाई, अगर कोई नौकर परोसेगा और मालिक ने ये कह दिया कि नहीं भैया और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, तो नौकर की हिम्मत है दोबारा कहने की? उसे क्या मतलब है, खाओ चाहे मत खाओ। लेकिन यही अगर श्रीमती जी परोस रही होंगी तो, क्यों भाई बोलो, अगर घरवाली परोस रही होगी तो हम सब पक्की बात कह रहे हैं, वो ना ना करते करते आधी रोटी तो और खिलाई जाएगी महाराज, कि देखो तुम आजकल कितने कमजोर है रहे हो, लो आधी और खा लो। अरे बोले रोटी नहीं खानी है, अच्छा रोटी नहीं खानी तो बोले फिर गाजर का हलवा खाओ, चलो कुछ तो खाओ, कुछ तो लो। अगर श्रीमती जी परोसेंगी तो भाव से अच्छे से खिला देंगी, कोई नौकर चाकर परोसेगा तो उसका अंदर भाव नहीं है। मेरा कहने का भाव ये है कि घर का कुछ काम खुद भी करना चाहिए। यशोदा मैया के यहाँ नौकर चाकर लगे हुए हैं, पर लेकिन अपने लाला के लिए दही खुद बिलो रही है महाराज, ऐसा नहीं। अब आजकल तो मशीन चल गई, क्यों भाई, आजकल मशीन चल गई, कौन इतनी मेहनत, आपने तो मेहनत की होगी, क्यों भाई खूब मेहनत की होगी, ऐसे ऐसे खूब दही बिलोया होगा, माखन निकाला होगा, घी बनाया होगा, छाछ बनाई होगी। तो पहले के लोग बड़े स्वस्थ रहते थे क्योंकि हाथ से काम होता था, खूब मेहनत करते थे। आजकल सब बटन दबाओ, सारे काम कर लो भाई, आजकल मशीन वाला काम हो गया। तो आज भी करती है ये, हाँ देखो वही तो मैं कह रहा, आज भी करती है, हाथ से करना बड़ा बड़ा आनंद है, एकदम शुद्ध चीज है। तो यशोदा मैया अपने हाथ से दही बिलो रही है, यानी यानी हगीतानी तदबाल चरितानी चा
दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। अपने हाथ से दही बिलो रही है, भगवान की लीलाओं को गा रही है, भगवान की लीलाओं को गा रही है। यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान गायत। माने सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है, माने सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है और इतना पुत्र के प्रति स्नेह है, इतना स्नेह है, कन्हैया को याद कर रही है कि माँ के स्तनों से दूध बाहर गिर रहा है। पुत्र स्नेह कुछ युगम जात कंपम च सुब्रूहु। स्नेह के कारण स्तनों से दूध बाहर गिर रहा है, मानो ये दूध बाहर झांक करके देख रहा है कन्हैया आए कि नहीं आए। और मां दही बिलो रही है, माखन निकालेगी भगवान को, ताजा ताजा माखन भोग लगाएंगे, भगवान को ताजा ताजा माखन खिलाना है, इसलिए दही बिलो रही है। और सुनो मेरी बात को, करुणा निधान, इतने में कन्हैया उठ करके आ गए, मैया का दुग्ध पान करने लगे और मैया की निगाह गई रसोई घर में, देखा कि दूध उबल उबल करके चूल्हे में गिर रहा है, बर्तन से निकल के चूल्हे में गिर रहा है। तो मैया तुरंत दौड़ करके गई, लाला को वहीं जमीन पर ही छोड़ दिया, कन्हैया को बीच दूध पीते पीते छोड़ दिया, अपना स्तन कन्हैया के मुंह से छीन लिया, निकाल लिया और अपनी कंचुकी ऊपर चढ़ा करके मैया दूध संभालने के लिए चली गई। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं दूध पी रहा था और पीते पीते मुझे बीच में छोड़ दिया, अभी बताता हूं। कन्हैया ने एक लाठी ली और सारे जो मटके रखे थे दूध दही घी माखन के, सब में एक एक लाठी ऐसी जोर से पटकी के सारे माखन के मटके टूट गए, सब दूध दही बह गया आंगन में। किसी में घी रखा था तो किसी में दही रखा जमा हुआ था तो किसी में कुछ रखा था, वो सब आंगन में फैला दिया कन्हैया ने। मैया बड़ी नाराज हुई, बोले कन्हैया आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने बहुत परेशान कर लिया है। जैसे कई बार मैया अपने बच्चे से बहुत परेशान हो जाती है ना, कि तूने बहुत परेशान किया, आज आज तुझे दंड मिलेगा ही मिलेगा। और मैया बांधना चाहती है, उखल से बांधना चाहती है तो रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती है, बांधना चाहती है रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती है। घर की सारी रस्सी जोड़ दी लेकिन जब बांधने का नंबर आए तो रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाए, रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती है। जब देखा भगवान ने मैया बांधते बांधते हार गई है, तब भगवान ने रस्सी पूरी कर दी और मैया ने लाला को उखल से बांध दिया। माता बहनों ध्यान देके सुनना, भगवान को उखल से बांध दिया। उखल तो समझते ना आप लोग, तो भाई उखल समझते हैं, उखल से बांध दिया और स्वयं चली गई यमुना किनारे जल भरने के लिए। कन्हैया को बांध करके चली गई, बोले बंधा रहे दिन भर, तुझे आज खोलूंगी नहीं, मैं ही बंधा रहे। जैसे यशोदा मैया ने तो लाला को बांध दिया, आजकल की मैया क्या करती है, कमरे में बंद कर देती है, बोले ही बैठा रहे कहीं नहीं जाएगा तू। उसको बांध दिया कन्हैया को, कन्हैया को बांध दिया मैया ने उखल से और मैया तो चली गई। और उखल को सरकाते 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 भगवान बाहर आ गए, नंद भवन से बाहर ले आए उस उखल को। और नंद भवन के सामने दो वृक्ष हैं यमलार्जुन के, उन दोनों वृक्षों के बीच में भगवान ने उखल को फंसा दिया। खुद तो निकल गए, खुद तो पेड़ के बीच में से निकल गए, लेकिन क्या फंस गया,
उखल दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया और जोर लगाते ही दोनों वृक्ष तड़ तड़ करके नीचे गिर गए। दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। महाराज ये कौन है? ये कुबेर के पुत्र है नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी के श्राप के कारण ये वृक्ष योनि में चले गए थे, पर नारद जी ने इन पर कृपा करी, इनको ऐसी कृपा करी कि भटलों का वृक्ष नहीं बनाया, वृक्ष बनाया तो गोकुल का बनाया, महाराज नंद भवन के सामने का बनाया। बोले वृक्ष तो बन जाओ लेकिन कहां के बन जाओ? गोकुल के बनो, भटलों के मत बनो। यहां का नहीं बनाया, गोकुल का बनाया। और दोनों वृक्षों को जैसे ही भगवान ने नीचे गिराया दो दिव्य पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चाकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामि दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत् नो नाम। हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करे, हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करे, हमारे कान सदा आपकी कथा सुने, हमारे हाथ सदा आपके सेवा में लगे रहे, संतों की सेवा में लगे रहे और ये सिर हमेशा संतों के चरणों में झुका रहे। ये सिर हमेशा संतों के चरणों में झुका रहे और इन संतों का दर्शन नेत्रों को होता रहे, बस ऐसी कृपा भगवान आप हम पर करें महाराज। स्मृत्वाम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शने स्तुभवत् नूना। अच्छा विचार करो, इतनी जोर से दोनों वृक्ष गिरे और कन्हैया बीच में फंसे हुए हैं, कन्हैया बीच में फंसे हुए हैं, इतनी जोर से वृक्ष गिरे, मैया दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को बंधन से मुक्त किया और मन में विचार करने लगी। बोले ये कैसे हो गया, ये वृक्ष कैसे गिर गए? अब बच्चों ने तो ये कहा कि कन्हैया ने गिरा दिए, पर लेकिन कोई माँ विश्वास करेगी? बोलो, अच्छा बोलो, जब अपनी आंखों से देखा ही नहीं तो यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा कि एक इतना छोटा बच्चा 2.5-3 साल का इतने वृक्षों को, बड़े वृक्षों को कैसे गिरा सकता है। लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ, मैया घबरा गई, मैया डर गई। बोले जब से कन्हैया का जन्म हुआ है और नंद बाबा से कहा, बोले मैं तो बहुत घबरा रही हूँ, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रही है, तब से कोई ना कोई दुर्घटना हो ही रही है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लाला के लिए ठीक नहीं है, तो ये जगह छोड़ करके हम कहीं और चलते हैं, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जब सब लोगों ने यही विचार दिया, बोले जब से लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई विपत्ति आ ही रही है, तो लगता है ये जगह बदल देनी चाहिए। तो नंद बाबा का एक घर एक मकान वृंदावन में भी है, तो सब लोग गोकुल को छोड़ करके कहां पर आ गए? श्रीधाम वृंदावन में आ गए हैं महाराज। वनम वृंदावनम नाम पसव्यव नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। अच्छा देखो भाई, बैठना तो यहीं भटलों में ही है लेकिन मन से कहाँ चलना है? चलोगे वृंदावन की नहीं? बोलो भाई, क्यों माताओं बहनों बताओ भाई, वृंदावन चलना है? अभी सब लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया भाई, कुछ लोगों को नहीं जाना है इसका मतलब। हाँ जी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की
ओ जरा चल के वृंदावन देखो। कौन कौन चलेगा वृंदावन? पीछे वाले भी चलेंगे क्या जो कुर्सी पे बैठे हैं? ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, शाम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो।
मिलेंगे जो राधे राधे बाते मिले जो राधे राधे बाते मिलेंगे जो राधे राधे बाते मिले जो राधे राधे बाते मिले जरा चल के बितावन देखो जरा चल के बितावन देखो शाम बंसी बजाते बजाते मिलेंगे शाम मुरली बजाते मिलेंगे शाम मुरली बजाते मिलेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके भाव से ओ जय राधे 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बैठिए बैठिए अभी 10 मिनट की और बात है बस। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षयासी दुत्तमा प्रीति राम माधव योर्निप। अब भगवान आ गए श्री धाम वृंदावन। इसके बाद प्रभु ने अपनी गोचारण की लीला को प्रारंभ किया, क्योंकि दिवाली के 8 दिन के बाद कौन सी तिथि आती है? क्यों भाई? दिवाली के 8 दिन के बाद तिथि आती है गोपाष्टमी, और इसी गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने अपनी गोचारण की लीला को प्रारंभ किया। महाराज भगवान बछड़ों को लेकर के जाते हैं, गायों को लेकर जाते हैं चराने के लिए, क्योंकि भगवान आए ही गौ सेवा करने के लिए है। महाराज ठाकुर जी गौ सेवा करने के लिए ही आए हैं, गायों की महिमा को ही प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान आए हैं। एक दिन क्या हुआ सुनिए ध्यान से, देखो भाई अब बातचीत ना करो आपस में, बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए, आप लोग ध्यान दे करके सुने। नारायण भगवान आए ही गायों की प्रतिष्ठा करने के लिए हैं, और करुणा निधान एक दिन भगवान बछड़े चराने के लिए गए, और रास्ते में भगवान ने वन भोज का भी जंगल में कार्यक्रम रखा। वन भोज समझते हैं कि नहीं, कि भोजन कहाँ बनेगा? बोले खेत पर बनाएंगे जाकर के, एकदम देसी भोजन, वहीं चूल्हा बना करके खेत में भोजन बनेगा। इसको कहते हैं वन भोज, जंगल में भोजन बनाना वहीं पाना। तो वहां बनाया तो नहीं, लेकिन सब अपने अपने घर से लेकर के आए थे। कोई कुछ लेके आया, कोई कड़ी पकौड़ी लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई दाल सब्जी, कोई दाल लेके आया, कोई दाल चावल लेके आया, कोई कड़ी सब्जी लेके आया, कोई पूड़ी लेके आया, कोई रोटी लेके आया, कुछ ना कुछ लेके सब आए, और भगवान सबके बीच में बैठ गए, और बड़े प्रेम से सब लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। भगवान भी उसका झूठा खुद खा लेते हैं, अपना झूठा उसको खिला देते हैं, और ये सब लीला ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा परमात्मा है जो उसका झूठा खुद खा लिया, अपना झूठा उसको खिला दिया, ये क्या चल रहा है सब? ये हमने सोची ब्रज में भगवान का अवतार हुआ है कि यही भगवान है, ये कैसा भगवान है? ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की लीला पर, और जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की लीला पर तो उन्होंने सबसे पहले बछड़ों को चुरा लिया, और जब भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तो उन्होंने पीछे से गोप ग्वालों को भी किडनैप कर लिया। महाराज ब्रह्मा जी ने बछड़ों का और गोप ग्वालों का हरण कर लिया, और भगवान को समझने में देर नहीं लगी, जितने बछड़े हैं जितने गोप ग्वाल हैं उतने ही रूप बना करके भगवान पहले जैसी लीला करने लगे, पहले जैसी लीला करने लगे। महाराज
और जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब देखने के लिए आए, अरे यहाँ तो पहले जैसा सब कुछ हो रहा है, तब उन्हें समझ में आ गया कि जिनको मैं साधारण बालक समझ रहा था, जिनको मैं साधारण बालक समझ रहा था, वो तो साक्षात ब्रह्म है, नारायण है। क्योंकि जितने भी बछड़े हैं और जितने भी गोप ग्वाल हैं, सब में ब्रह्मा जी ने भगवान का ही दर्शन किया, कन्हैया का ही दर्शन किया। तो ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा मांगी है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है तो असली वाले गोप ग्वालों को वापिस किया, और ये असली वाले जो गोप ग्वाल हैं, ये अपने अपने घर जाकर के क्या बताने लगे कि आज कन्हैया ने बहुत बड़े अजगर को मारा, जबकि उस अजगर को तो भगवान ने एक साल पहले ही मार दिया था, और ये एक साल बाद की बात अपने घर जाके बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों को लेकर के, गोप ग्वालों को लेकर के गए और वापिस लेकर के आए, तो इतनी देर में धरती का एक साल बीत गया। यानी कि एक साल तक बछड़ा बनकर के कौन रहा? कन्हैया। और एक साल तक गोप ग्वाल बन के कौन रहे? बोले कन्हैया ही बन के रहे। जब गैया कन्हैया को देखती थी तो सोचती थी कि कन्हैया हमारा दूध पिए, कन्हैया हमारा भी दूध पिए मुंह लगा करके, तो भगवान ने कहा तेरी इन गैया मैया की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो भगवान एक साल तक क्या बन गए? एक साल तक भगवान बछड़ा ही बन गए महाराज, और गैयाओं का खूब दूध पिया भगवान। इससे पहले जब गैया अपने बछड़ों को दूध पिलाती थी तो इतना सुख नहीं मिलता था, पर आज जब अपने बछड़ों को दूध पिलाती है तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ही साक्षात दूध पिए हैं एक साल तक। इसके बाद भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, और यमुना जी का जल बड़ा ही प्रदूषित हो गया था, तो भगवान, क्योंकि कालिया नाग उसमें रहता है यमुना जी में, तो एक दिन भगवान ने जानबूझ करके आईपीएल खेला। हाँ, भगवान भी आईपीएल खेलते हैं, और ऐसा जानबूझ करके ठाकुर जी ने ऐसा शॉट लगाया, फुल टॉस बॉल मिली, ऐसा शॉट लगाया कि सीधी गेंद गई यमुना जी के अंदर, और गेंद लाने के लिए भगवान यमुना जी में कूदे, और कूदने का तो बहाना है, गेंद फेंकने का तो बहाना है, आज कालिया नाग को सबक सिखाना है। वो कालिया नाग भगवान को पूछ में बांध लिया, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और उसके बंधन से मुक्त हो गए। उसके फणों पर भगवान नाचने लगे, 100 फन वाला कालिया नाग है, उसके 100 फन है, उसके 100 फन है महाराज। तो भगवान उसके फणों पर नाचने लगे करुणा निधान, और आज नाग पत्नियों ने देखा कि अगर ये ऐसे ही नाचते रहेंगे तो आज हमारे पति मर ही जाएंगे। तो नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछति यद पाद रजः प्रपन्नाः। प्रभु, हमें आपके चरणों की धूल चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, यमुना जी को छोड़ करके चले जाएंगे, पर अपने चरणों की धूल दीजिए। अच्छा, चरणों की धूल क्यों मांग रही हैं? अगर चरणों की धूल मांगेंगी तो कम से कम नीचे उतर के तो आएंगे, नहीं तो हमारे पति के फणों पर नाचते ही रहेंगे। लेकिन नाग पत्नियों की स्तुति से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब फर्क नहीं पड़ा तब स्वयं कालिया नाग भगवान की स्तुति करने लगा, स्वयं कालिया नाग भगवान की स्तुति करने लगा। वयम खलाहा सहोत्पत्या काम सा दीर्घ मन्यवह स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानाम
यद सद्गृह त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातुर्गुण विसर्जनम्। कालिया नाग, आप लोग ध्यान दे के सुनना, कालिया नाग भगवान से कहता है, प्रभु एक बात बताइए, माना कि हम दीर्घमन्यु हैं, हम बदला लेने वाले हैं, हम जहरीले हैं, पर प्रभु मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये सारी सृष्टि किसने बनाई? बोलो। कालिया नाग ने पूछा, ये बताओ सारी सृष्टि किसने बनाई? भगवान बोले मैंने बनाई। अच्छा, सारी सृष्टि आपने बनाई तो हम सर्पों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले सर्पों को आपने बनाया तो जहर भरवाने के लिए हम कोई रीवा के मार्केट में जाते हैं क्या कि हमारे अंदर जहर भर दो? आपने हमको सर्प बनाया है तो जहर भी किसने दिया हमको? आपका ही दिया हुआ है, तो जो दिया है वही तो देंगे, जो आपने दिया है वही तो हम देंगे। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ये गोल गोल बातें मत करो हमसे, सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहते हो? तब कालिया नाग हाथ जोड़ करके अपने फणों को झुका करके कहता है, मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे खराब हैं, चाहे खोटे हैं, चाहे खरे हैं, हम लेकिन जैसे भी हैं प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं नारायण, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं नारायण। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहिनः। अब चाहे कृपा करो, चाहे मार दो, चाहे तार दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन हम तो प्रभु आपके हैं। तो भगवान ने कहा यह बात ठीक है, लेकिन तुम मेरी यमुना जी को छोड़ करके चले जाओ और अपने पुराने स्थान रमणक दीप नामक स्थान पर रहो। इस प्रकार से भगवान ने यमुना जी को कालिया के विष से मुक्त कराया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने गोप ग्वालों को जंगल में अग्नि लग गई उससे बचाया। तत्पश्चात शरद ऋतु का वर्णन है, युगल गीत का, वेणु गीत का वर्णन यहाँ पर आया है। ब्रज की कुमारिकाओं ने माँ कात्यायनी का व्रत किया। हेमन्ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः। ब्रज की कुमारिकाओं ने व्रत किया है माता जी का, जैसे आप लोग व्रत करती हो ना माता जी का, नवरात्रि रखती हो, तो गोपियों ने भी हेमंत मास में यानी के हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में माता जी का व्रत किया है और माता जी से क्या मांगा है? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देविम पतिम मे कुरते नमः। ये नंद के जो कुमार हैं वो हमारे पति हो जाएं, ये जो नंद के कुमार हैं ये हमारे पति हो जाएं, यानी कि देवी की आराधना करके भगवान को ही मांगा है। आगे कथा आती है, एक बार ब्रज में घर घर में 56 प्रकार के व्यंजन बनने की खुशबू आ रही थी। मां 56 प्रकार के व्यंजन बनने की खुशबू आ रही थी तो पूछा मैया से, मैया ये क्या हो रहा है? बोले अपने बाबा से पूछ कि क्या तैयारी है। तो महाराज नंद जी ने कहा बेटा ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। बोले ये सब इंद्र पूजा की तैयारी है, इंद्र वर्षा के देवता हैं, वो जल गिराते हैं तो हरी हरी घास होती है, हरी हरी घास होती है तो गौ माता को चारा मिलता है, जब गौ माता को हरा चारा मिलता है तभी हमको बढ़िया दूध मिलता है। तो ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी है, इंद्र ही हमारे वर्षा के देवता हैं। तो भगवान ने कहा पिताजी बाबा कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का फल यहाँ पर प्राप्त करते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा जायते जंतु
कर्मणेव विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। भगवान ने कहा हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो श्री गिरिराज जी महाराज हैं, तो हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो श्री गिरिराज जी महाराज हैं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और मेरा देवता सामने प्रकट होकर के पूजा लेता है। आप कभी भी वृंदावन जाएंगे, कभी ब्रज में आएंगे तो गोवर्धन तो जाना ही जाना है हमारे। गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, गोवर्धन में कुसुम सरोवर का दर्शन करेंगे, पूछरी के लोठा का दर्शन करेंगे, जतिपुरा का दर्शन करेंगे, मुखारविंद का दर्शन करेंगे। ये सब ठाकुर जी के स्वरूप है महाराज। भगवान ने कहा हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो श्री गिरिराज जी महाराज हैं, तो हमें इन्हीं की सेवा पूजा करनी चाहिए। एक बार मेरे देवता की पूजा करके तो देखो। तो भगवान की बात सबको बड़ी अच्छी लगी, तो घर में जो जो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे वो सब थाल में सजा करके श्री गिरिराज जी महाराज की तलहटी में रखे और एक रूप से साक्षात कन्हैया गोवर्धन में जाकर के विराजमान हो गए। एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से अपने को पुजवा रहे हैं। ऐसा देवता कहीं नहीं मिलेगा जो एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से अपने को पुजवा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग भी सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। सब लोगों ने भगवान के कहने पर गिरिराज जी महाराज को भोग लगाया और भगवान के कहने पर सभी ने गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाई है। बोलिए गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरि गोवर्धन नाथ की जय। आइए सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे और हमारे झांकी का दर्शन होगा ठाकुर जी। गिरिराज जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
मुकुट विराज रहो लोग सुंदर झांकी का दर्शन कीजिए ठाकुर जी का। अब आरती होगी, आरती में सभी लोग परिवार के लोग ऊपर आ जाएं और बाकी लोग सब लोग नीचे से आरती करें। कल भगवान का विवाह होगा, कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव की कथा हम लोग कल सुनेंगे और फूलों की होली का भी कार्यक्रम कल रखा गया है क्योंकि हमारे ब्रज में तो होली चालू हो गई महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ। जीवन धन
सोए वृषभान दुलारी देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम परम